हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मनप्रीत, कुलदीप, हिना, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ऑल क्लियर। ओके, वेलकम टू अन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? डेली लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर पॉल्स की फैसिलिटी है। सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। जिस तरह का यूपीएससी का सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग पूरे कोर्स डिजाइन किए गए ताकि बेस्ट तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सके। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी है, उसके साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब एक बार अगर आप मेरे कोड नवीन वन को यूज करके अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ जितने भी यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने वाले आपको एडुकेटर्स नजर आते हैं अन अकेडमी की, किसी से भी जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो, जितना मन करे लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, जैसे भी मन करे देखो, अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से देखो, मोबाइल पे देखो, लैपटॉप पे देखो, उसके साथ जो भी पीसी है आपके पास, टैबलेट है, किसी पे भी देख सकते हो आप। और अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मेरी स्पेशल क्लासेस और जो प्लस क्लासेस है वो लर्निंग ऐप पे ही आपको देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड यूजर्स उसको गूगल प्ले से और एप्पल यूजर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन तंवर है, 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूं, ज्योग्राफी से मास्टर्स किया है और ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूं। अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है unacademy_NaveenTanwar, और कोई भी आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हो। उसके साथ अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो unacademy.com पे जाके नवीन तंवर नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च कीजिए। मेरे सारे कोर्सेज अवेलेबल है वहां पे, प्लस क्लासेज है, स्पेशल क्लासेज है, सब आपको मिल जाएगी। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको 100+ टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सिलेबस डिजाइन किया गया है जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, एनसीआरटी की समरीज है, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी सेशन और आंसर राइटिंग सेशंस आपको सब मिलेंगे। तो आप जब भी अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक प्लस का है, दूसरा आइकॉनिक का। प्लस 1 मंथ से लेके 3 साल तक आपके पास ऑप्शन है इसको परचेज करने का। साल भर की फीस है 49,500, 2 साल की है 72,000, 3 साल की है 90,000। और अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन वन को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है आइकॉनिक का। आइकॉनिक क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ आपको एक कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लान्स होंगे और पर्सनल फीडबैक मिलेगा आपको। ये साल भर, 2 साल और 3 साल के लिए अवेलेबल है। साल भर की फीस है 69,500, 2 साल की है 1,07,000 और 3 साल की है 1,41,000। फिर से अगर मेरे रेफरल कोड नवीन वन को यूज करेंगे तो यहाँ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ ही अगर आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी आप अनअकैडमी पे तैयार कर सकते हैं। 1 महीने से लेके 3 साल तक का आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। साल भर की ऑप्शनल की फीस है 27,500, 2 साल की है 40,000 और 3 साल की है 50,000। फिर से अगर मेरे रेफरल कोड नवीन वन को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। ओके, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये 10% का डिस्काउंट कोड चाहिए और पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आपको नवीन वन कोड को यूज करना होगा। इस कोड को अगर आप यूज करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे? देखो, 24/7 आपको मेरी हेल्प मिलेगी। हर वक्त जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लियर होंगे। किसी भी तरह के आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा टाइम मैनेजमेंट आपका, उसके साथ साथ आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, आपको पर्सनली मैं हर लेवल पे आपको गाइड करूंगा। कब क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं, वो पर्सनली मैं ही आपको मैं आपको हेल्प करूंगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप नवीन सर की मेंटरशिप में आना चाहते हैं तो नवीन वन कोड को आप यूज करें जब भी सब्सक्राइब करें।
उसके साथ जैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशल क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है केस स्टडी के ऊपर, 6 क्लासेस हुई, बहुत शानदार और उम्दा क्लासेस है। जो भी बच्चा चाहता है कि वो 120 नंबर मात्र सिर्फ 6 क्लासेस के द्वारा वो अपने 120 नंबर की तैयारी पूरी कर सकता है एथिक्स की, केस स्टडी की, ये क्लासेस अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इनका लिंक पड़ा है कंप्लीट 66 क्लासेस का, वो देख सकते हैं। तो ये नीतिशा सत्यनिष्ठा और अभिरुचि पे क्लासेस है हमारी। उसके साथ ही मेरा वर्ल्ड एंड इंडियन मैपिंग के ऊपर स्पेशल क्लास पे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स, आप उसको कंप्लीट करें। वर्ल्ड मैपिंग, इंडिया मैपिंग, आपकी ज्योग्राफी में, आपकी हिस्ट्री में, आपके आईआर में, हर जगह ये आपको हेल्प करेगी वर्ल्ड मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग। ओके, उसके साथ ही मेरा प्लस कोर्स चल रहा है नीतिशा सत्यनिष्ठा और अभिरुचि जीएस पेपर 4 कंप्लीट, ये आपको प्लस पे मिल जाएगा। प्लस जिस बच्चे के पास पेड सब्सक्रिप्शन है उसको ये कोर्स मिल जाएगा। आने वाले मेरे कोर्सेज कौन से हैं, बच्चे लगातार पूछते रहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर जो जीएस पेपर 3 में है, पब्लिक पॉलिसी, उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी। देखो यूनिक तरीके से ये सारी चीजें मैंने आपके लिए तैयार की है, जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। गवर्नेंस का जीएस पेपर 2 है, एनवायरमेंट जीएस पेपर 3, सोशल सिक्योरिटी जीएस पेपर 1 और 2 दोनों में है, भारतीय समाज और संबंधित मुद्दे ये भी जीएस पेपर 1 और 2 दोनों में है। उसके साथ ज्योग्राफी जीएस जो आपका जीएस पेपर 1 में है वो मैं आपको कराऊंगा, और सबसे बड़ी बात ये निबंध के ऊपर भी मेरा एक सेशन आएगा। तो ये सारी चीजें आपको नवीन 1 कोड अगर यूज करते हैं तो ये सब मुझसे तो पढ़ने का मौका मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट, बाकी जितने टीचर है अनअकैडमी पे उनसे भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा नवीन 1 कोड अगर यूज करते हैं। वापस से आते हैं अपने डेली करंट अफेयर वाले कोर्स पे, 3 चीजें डिस्कस करेंगे आज, फिर डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एमसीक्यू और टॉपिक ऑफ द डे, ये तीनों चीज आज की सेशन में होगी। किसी को कोई डाउट हो किसी भी तरह का, ओके, कोई डाउट हो किसी का भी पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सबका, उम्मीद कर रहा हूं सबकी दीपावली बहुत अच्छी से मनी होगी। ओके ओके, सभी लोग देखना, सभी लोग देखना, आप अपनी केस स्टडी वो वहीं पे अवेलेबल होगी, वहां पे अवेलेबल रहेगी आपको केस स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिलीट नहीं होगी, वहीं पे अवेलेबल रहेगी। वापस से आते हैं, देखो आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि डेली न्यूज एनालिसिस में मैंने 14 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर हमने कवर किया है। ओके, तो 13 तारीख तक की हमारी करंट अफेयर की वीडियो थी, 14, 15, 16 तीन दिन की छुट्टी थी, तो 14, 15, 16 और 17 सारा करंट अफेयर आज की क्लास में अवेलेबल है। 2 दिन तो वैसे न्यूज़पेपर ही नहीं आया था, हिंदू भी नहीं आया, इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं आया, तो ऑलरेडी 2 दिन की तो वैसे ही, क्योंकि न्यूज़पेपर ही नहीं था तो कैसे तैयार करते। बाकी इसमें कंप्लीट कवरेज है, बहुत सारे एमसीक्यूज है आपके लिए, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत उम्दा टॉपिक आज आपको सीखने को देखने को मिलेंगे इस क्लास के अंदर। ओके, ये देखो पहली खबर है ये आपकी, वल्चर्स नंबर स्टेबलाइजिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट लॉन्चेस एक्शन प्लान टू इंक्रीज पॉपुलेशन। देखो गिद्ध है ये, सबसे पहले बात करते कहां जाएगा, जनरल स्टडीज पेपर 3, ये जीएस पेपर 3 का मैटर है, उसके साथ प्रीलिम्स में ये आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण व पारिस्थितिकी में ये काम आने वाला है ये आपके। देखो खबर क्या है मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ष 1990 से लेके 2004 से 7 के बीच तक भारत के अंदर जो गिद्ध मिलते हैं, गिद्ध जिसको वल्चर बोलते हैं, उनकी ऑलमोस्ट बहुत सारी, वैसे इंडिया में 9 प्रजातियां मिलती है गिद्धों की, उन 9 प्रजातियों में से 3 से 4 प्रजातियां ऐसी है जिनकी लगभग इन 15 सालों के अंदर 99% पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो गई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। उसका क्या कारण था वो भी मैं बताऊंगा। तब सरकार ने 2006 में एक प्रोजेक्ट चलाया था वल्चर्स के कंजर्वेशन का, ताकि इनकी गिरती हुई जनसंख्या को रोका जा सके,
और इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके, मतलब रोकना भी और फिर आगे और बढ़ाना भी। तो उसको लेके सरकार का जो एक नया एक्शन प्लान आया है, वल्चर एक्शन प्लान 2020 से लेके 2025 के बीच, ताकि इन वल्चर्स की पॉपुलेशंस को बढ़ाया जा सके और इनकी प्रजातियों को संरक्षित रखा जा सके। तो क्या पूरी न्यूज़ है, देखते हैं इसको। ओके, आप सभी लोगों को साफ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए। आप बोल रहे हो धुंधला नजर आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए इसकी। ओके, अपनी स्ट्रीमिंग क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए। ओके, सबको साफ नजर आएगा, फुल एचडी चल रहा है ये। ओके, मेरी इसमें भी थोड़ा धुंधला नजर आ रहा था, मैंने उसकी वीडियो स्ट्रीमिंग क्वालिटी को इंक्रीज कर लिया। 480 कर लीजिए या 720 कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब ये देखो वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25, ये है क्या क्या लेके आई है सरकार? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहेंगे, ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 को लॉन्च किया है। ये लो, वैसे तो हमने देखा 2006 में ही सरकार इनके कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आ गई थी, लेकिन अब सरकार ने वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 को लॉन्च किया है। भारत में उल्लेखनीय है कि वर्ष 1990 के बाद से गिद्धों की कुछ प्रजातियां की जनसंख्या तेजी से घट गई थी। हालांकि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने साल 2006 से ही गिद्धों के संरक्षण के लिए परियोजना चलाई थी, लेकिन अब जो परियोजना है 2020 से 25, देखो जो 2006 से चलाई जा रही थी उसका टारगेट ये था कि गिद्धों को हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ संरक्षण करना है, क्योंकि संरक्षण के प्रयासों में सरकार लगातार सफल होती जा रही है। तो सरकार ने अब बोला है कि जो अब 2020 से 25 के लिए वल्चर एक्शन प्लान होगा, इसमें हम संरक्षण प्लस उनकी जनसंख्या की वृद्धि, उनकी संख्या को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि इस विस्तार का मुख्य बल ना केवल गिद्धों की गिरती जनसंख्या को रोकना है, बल्कि गिद्धों की जनसंख्या को बढ़ाना भी है। ये देखिए। ओके, फिर देखिए क्या है, भारत में कितने प्रकार के गिद्ध मिलते हैं। देखो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 प्रकार की गिद्धों की प्रजातियां मिलती है, जिनके नाम है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बाइल्ड, स्लेंडर बाइल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्टियन वल्चर, पियर्ड वल्चर, सिनेरस वल्चर और यूरेशियन ग्रीफन। तो ये 1, 2, 3, ये 2 होगा, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6, 7, 8 और 9। ये देखो ये 9 तरह के गिद्ध भारत के अंदर मिलते हैं, याद रखना संख्या इनकी 9 तरह के गिद्ध है ये। और वर्ष 1990 से 2007 के बीच, देखो नोट में मैंने बताया है, 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो प्रजातियां है, जिसमें है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बाइल्ड और स्लेंडर बाइल्ड, ये पहले तीनों, ये 1, 2 और 3, इनकी तो लगभग 99% पॉपुलेशन समाप्त हो गई थी। कब? 1990 से 2007 के बीच। और जो रेड हेड वल्चर है, ये वाला रेड हेडेड वल्चर, ये IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसकी जनसंख्या भी 91% घट गई थी। फिर जो ये इजिप्टियन वल्चर है, इसकी जनसंख्या 80% तक घट गई थी, और ये इजिप्टियन वल्चर भी IUCN की रेड डेटा लिस्ट में एंडेंजर्ड है। और बाकी जो हिमालयन बियर्ड और सिनेरस वल्चर बचा, वो नियर थ्रेटन्ड है। कुल मिला के मुद्दा ये है कि 9 प्रकार की गिद्धों की प्रजातियां मिलती है, 3 प्रजातियां ऐसी है जो 1990 से लेके 2007 के बीच 99% इनकी पॉपुलेशन समाप्त हो गई। जानते हैं कारण क्या है? देखो 1990 से 2004 के बीच गिद्धों की जनसंख्या में गिरावट का जो मेजर रीजन था, एक दवा आती थी डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक एक दर्द निवारक दवा थी, सूजन को कम करने में इस्तेमाल किया जाता था। तो बहुत सारे जो, देखो गिद्ध क्या होते हैं, ये वल्चर्स हैं, ये जो मरे हुए पशुओं को खाते हैं, जिंदा पशुओं को भी खाते हैं, मरे को भी खाते हैं, डिकम्पोजर की भूमिका है। तो सपोज करो किसी घर
भैंस को या किसी जानवर को, पालतू जीव को खा रही है, भैंस को ठीक है, या बैल को ये खा रहे हैं, और इन भैंस या बैल को अगर कोई दर्द निवारक दवा के रूप में अगर डाइक्लोफिनेक दी गई है, तो ये डाइक्लोफिनेक जो दवा है ना, इन गिद्धों के लिए बहुत हानिकारक थी। तो ये जो ऐसी भैंसों को या पशुओं को, पालतू पशुओं को जब ये खाते थे, जिनको डाइक्लोफिनेक दवा दी गई थी, तो उससे इनकी मृत्यु होने लगी। पता ही नहीं चला सरकार को, जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय को, कुछ सालों तक तो लगातार पता ही नहीं चला कि ऐसे क्यों इतनी तेजी से गिर रहे हैं। बाद में रिसर्च हुई, स्टडी हुई, पता चला कि जो डाइक्लोफिनेक दवा है उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है गिद्धों के ऊपर। तो ये देखिए, ये डाइक्लोफिनेक दवा है जो NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक ड्रग था, जिसका इस्तेमाल पशुओं में दर्द और सूजन के इलाज में किया जाता था। और ध्यान रहे कि 0.4 से 0.7, मतलब अगर देश के अंदर 100 पशु है टोटल, अगर उनमें से सिर्फ 0.4 से लेके 0.7 पशु भी डाइक्लोफिनेक को खाते थे या उनको दी गई थी या उससे वो कंटेमिनेट थे, तो सिर्फ ये भी 99% गिद्धों की पॉपुलेशन को विनाश करने के लिए पर्याप्त थी। याद रखना कि जरूरी नहीं कि पूरे पशु प्रजातियों को डाइक्लोफिनेक दी जाएगी तभी गिद्धों की मृत्यु होगी। इन्होंने बोला अगर 1% से कम पशु भी ऐसे हैं जिनको डाइक्लोफिनेक दी गई है, तो वो लगभग 1% पशु भी 99% वल्चर्स की प्रजातियों को विलुप्त कर सकते हैं। इतना हानिकारक प्रभाव है डाइक्लोफिनेक का। याद रखना, इस डाइक्लोफिनेक पे यूपीएससी ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि गिद्धों की गिरती हुई जनसंख्या का क्या कारण था। तब उसमें यूपीएससी के आप स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें लिखा आएगा एक दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनेक, तो वो बिल्कुल ऑप्शन सही था। समझ में आया? डाइक्लोफिनेक पशुओं को अगर किसी तरह का पेन है, उनको शरीर में कहीं सूजन है, उसके इलाज के लिए डाइक्लोफिनेक दी जाती थी उनको। इस दवा को कंप्लीटली बैन नहीं किया गया, लेकिन इसको बेचने के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आ गए हैं। ओके, क्लियर हुआ ये आपको? कोई डाउट किसी तरह का? सनाया, सूर्य प्रकाश, व्लादिमीर, ओके, सबको क्लियर है? फिर देखो, अब जो गिद्धों की 9 प्रजातियां हैं भारत के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं, ये सारी वो प्रजातियां हैं। ये देख सकते हैं, एक किंग वल्चर है, ये सिनेरस वल्चर है, ये यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर है, मतलब गिद्ध, गिद्ध का नाम तो सुना होगा ना आपने। उसके बाद ये हिमालयन ग्रिफिन वल्चर है, ये लॉन्ग बाइल्ड वल्चर है, ये दिखा रहा हूं मैं आपको 9 की 9 प्रजातियां जो भारत के अंदर मिलती है। फिर देखिए, ये स्लेंडर्ड बाइल्ड वल्चर है, एक गिद्ध की प्रजाति ये है इंडिया के अंदर, स्लेंडर्ड बाइल्ड वल्चर बोला जाएगा इसको। फिर देखिए, ये व्हाइट बैक्ड वल्चर है, व्हाइट बैक मतलब इसकी कमर का जो ये वाला हिस्सा है ये व्हाइट है, इसलिए इसको व्हाइट बैक्ड वल्चर बोला जाता है। ओके, फिर ये इजिप्टियन वल्चर है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ये भी इंडिया में मिलता है, इजिप्टियन वल्चर। ओके, आपको दिखा रहा हूं ताकि दिमाग में छप जाए, अगर कभी वल्चर पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो आपके मन में, मस्तिष्क में एक छवि रहेगी कि सर ने दिखाया था। हाँ, ये सब पीडीएफ मिलेगा आपको, डोंट वरी, सब पीडीएफ मिलेगा, सब पीडीएफ में मिलेगा ये सब आपको। फिर ये है बियर्ड वल्चर, देखो इसको दाढ़ी है, दाढ़ी है इसको, यहां पे देखो इसको दाढ़ी है, इसलिए इसको दाढ़ी वाला गिद्ध बोला जाता है। देखो ये दाढ़ी है इसको, ये देखो यहां इसको, जैसे इंसानों की दाढ़ी होती है इस तरह से इसको भी मूछ दाढ़ी है, इसलिए इसको बियर्ड वल्चर बोला जाता है, इंडिया में मिलता है ये भी। डन, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, माइंड में एक पिक्चर छप रही होगी कि 9 प्रकार के वल्चर है इंडिया में,
उनमें से तीन प्रकार की पॉपुलेशन तो 99% घट गई थी, दो प्रकार की 80% तक घट गई है। ओके, उसमें से कुछ क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कुछ एंडेंजर्ड है, कुछ नियर थ्रेटन्ड है। ओके, टेलीग्राम आईडी आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख लीजिए, ये टेलीग्राम आईडी है इसकी, मेरे जहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा ये टेलीग्राम आईडी है, unacademy_नवीन तंवर, यहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी जो खबर है, देखो जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि सरकार जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, अमेजोन हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, उनको रेगुलेट करने की पूरी तैयारी कर चुकी है सरकार। अभी सरकार ने एक नया जो उनके लिए एक गाइडलाइन जारी की है, बोला है कि जितने भी डिजिटल न्यूज फॉर्म्स है, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उनके लिए एक एफडीआई की सीलिंग, एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसकी एक सीमा होगी, उससे ज्यादा उसके अंदर एफडीआई नहीं आएगा, तो उसके बारे में एक खबर है। ओके, तो सरकार जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसके शेयर होल्डर्स की और जो उसके डायरेक्टर्स की, वो डिटेल मांग रही है सरकार, ताकि इन पे रेगुलेशन को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा सके। तो ये कहाँ जाएगा? ये जर्नल स्टडीज पेपर 2 में जाएगा और ये जर्नल स्टडीज पेपर 3 में जाएगा, दोनों पेपर में जाएगा, मेंस में। ओके, डन। अब ये देखिए खबर क्या है, डिजिटल मीडिया में एफडीआई पे सरकार लेके आई है अपनी नई नीति। देखो नीति क्या है, सीधी सी बात है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सरकारी अनुमोदन के तहत, मतलब गवर्नमेंट रूट के तहत, 26% एफडीआई की अनुमति देने वाले केंद्र सरकार के 18 सितंबर 2019 के निर्णय का अनुपालन करने के लिए डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचारों को, याद रखना, समाचार, करंट अफेयर की अपलोडिंग और स्ट्रीमिंग से संलग्न योग्य कंपनियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। डिजिटल जो आपके प्लेटफॉर्म्स है, जहां से आप समाचार सुनते हो, करंट अफेयर्स की आप क्लासेस देखते हो, करंट अफेयर का कंटेंट देखते हो, उन कंपनियों के लिए सरकार ने पिछले साल 18 सितंबर 2019 के दिन 26% एफडीआई की लिमिट का उन्होंने, सरकार ने बताया था। सरकार ने जो सार्वजनिक सूचना जारी की है, अभी पब्लिक जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके अनुसार क्या है, देखो कि 26% से कम एफडीआई वाली कंपनियों को 1 महीने के अंदर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निम्नलिखित सूचनाएं जारी करनी होगी। तो ऐसी डिजिटल स्ट्रीमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहां 26% तक एफडीआई है, अगले 1 महीने के अंदर उन्हें क्या करना होगा? देखो सरकार ने क्या बोला कि इन कंपनियों के जो निदेशक है, डायरेक्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उनका नाम पता, उसके साथ ही कंपनी और संस्था के शेयर होल्डिंग और पैटर्न का विवरण देना होगा। दूसरा, जो प्रमोटर्स है, मतलब उसमें जो प्रमोटर है, पैसा लगा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, और जितने भी लाभार्थी है और मालिक है, उनका नाम और पता बताना होगा सरकार को, उनका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, जितने भी ऑडिटिंग है, गैर लेखा परीक्षण आय और हानि विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सारी डिटेल में देनी होगी सरकार। सरकार पूरा शिकंजा कसना चाहती है, मैं पहले भी बताया था मैंने आपको पिछले हफ्ते, धीरे धीरे सरकार जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पे अपनी ग्रिप को मजबूत करना चाह रही है। ऐसी कंपनियां जिनके पास अभी 26% से ज्यादा एफडीआई है, देखो कुछ तो ऐसी है जो 26% तक है, कुछ ऐसी जो 26% से ज्यादा जिनमें एफडीआई है, सरकार ने बोला है कि वो 15 अक्टूबर 2021 तक, यानी कि अगले साल तक, वो अपने एफडीआई को 26% से ज्यादा जिनका है वो 26% तक लेके आए। मतलब अगर किसी के अंदर अभी 28% है या 50% एफडीआई है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो उनको घटा के अगले साल 15 अक्टूबर 2021 तक उसको घटा के 26% तक करना होगा। ये सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार पूरी डिटेल रखना चाहती है। देखो आने वाला समय डिजिटल है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं,
मार्च में लॉकडाउन से पहले, जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, उससे पहले और उसके बाद, अगर आज आप नवंबर में बैठे हो, 17 नवंबर, ऑनलाइन एजुकेशन की एक बाढ़ आ गई है। ऑनलाइन इतनी तेजी से आगे बढ़ा, इस प्लेटफॉर्म को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है बच्चों द्वारा, अभिभावकों द्वारा, सभी के द्वारा जो तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, तो इसको रेगुलेट करना जरूरी हो गया है। पता चले कि जैसे कभी शेयर मार्केट में बड़े बड़े घोटाले हुए थे, उसी तरह कहीं ये ना हो कि 2 साल बाद, 3 साल बाद पता चले शिक्षा में भी ऑनलाइन लर्निंग के अंदर घोटाले हो गए बड़े बड़े। तो सरकार शुरुआत से ही इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको गाइड करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए पहले से ही प्रोविजंस लेके आ रही है। ओके अन अकेडमी के साथ साथ आप बच्चों को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, मैं ये कहूंगा। सिर्फ अन अकेडमी को प्रॉफिट नहीं हुआ, आप लोगों को भी, जो क्वालिटी आपको मुखर्जी नगर में, देखो एक मैं सिंपल सा आपको गणित बताता हूँ, आप में से जो बच्चे मुखर्जी नगर जाके तैयारी करना चाह रहे होंगे, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ क्या जो वर्तमान एक्सपेंडिचर क्या है मुखर्जी नगर में, वर्तमान खर्चे क्या है किसी भी कोचिंग में। एक साल की जो फीस होगी सिर्फ जनरल स्टडीज की, सिर्फ सामान्य अध्ययन, उसकी जो फीस होगी वो किसी भी कोचिंग की 1,50,000 से कम नहीं है। 1,50,000 सिर्फ जनरल स्टडीज की फीस है। उसके बाद 6 महीने की, 5 से 6 महीने की फीस 40,000 फीस है आपकी, ऑप्शनल की मिनिमम मिनिमम फीस है। तो यानी कि 2 लाख रुपए तो आपका ऑप्शनल और जीएस की फीस है 1 ईयर की। उसके बाद अगर आप मुखर्जी नगर या उसके आसपास के एरिया में कहीं भी रहोगे स्टूडेंट्स, मिनिमम आपका मिनिमम 12,000 पर मंथ आपका खर्चा आएगा। तो 12 को 12 महीने मिनिमम 12,000 रुपये अगर आप खर्चा जोड़ोगे तो आपका साल भर का खर्चा कहीं ना कहीं 5 लाख के करीब जाके आता है मुखर्जी नगर के अंदर, दिल्ली में। अन अकेडमी आपको साल भर का क्या खर्चा है बताना जरा। अगर आप रेफरल कोड को यूज कर रहे हो सिर्फ 44,500, ये देखो सिर्फ, यानी कि सिर्फ 10% की कीमत में अन अकेडमी आपको घर पे बैठे वही सारी फैकल्टी हम पढ़ा रहे हैं ना आपको। तो आपको देखो अन अकेडमी को फायदा हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको भी फायदा हुआ है। वो सारा खर्चा सिर्फ 10% खर्चे में आपने अपनी पूरी साल की तैयारी शुरू कर दी है अन अकेडमी पे। ठीक है, और थर्ड क्लास खाना, थर्ड क्लास सब्जी, दिल्ली की सब्जियां देखो, वहां गंदे नालों की सब्जी खानी पड़ती है। दिल्ली एनसीआर के आसपास का एरिया पूरा पॉल्यूटेड है। साल भर के अंदर आपकी हेल्थ कितनी खराब हो जाएगी, आप वो तो उसका तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बता दिया कि कुछ बच्चों को लगता है मुखर्जी नगर जाएंगे रहेंगे, कुछ नहीं रखा है वहां पे, सब कुछ अन अकेडमी ने ऑनलाइन पूरे यूपीएससी की पाठशाला को आपके घर पे लेके आ गया है अन अकेडमी। डन। तो सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना चाहती है कि इन फ्यूचर कोई किसी तरह की गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट देखो, गेल ने कंप्लीट किया है कोची मंगलूर पाइपलाइन। देखो कोची और मंगलूर, ये मंगलुरु है, कर्नाटक के बॉर्डर पे है, मंगलुरु से लेके, देखो ये मंगलुरु है, यहां से लेके और कोची के बीच में 444 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, इसको कंप्लीट किया है। तो कहाँ जाएगी ये? जनरल स्टडीज पेपर 1, ज्योग्राफी में लोकेशन में आ सकती है, और जनरल स्टडीज पेपर 3, ये आपका इकोनॉमी के अंदर आएगी। ओके एनर्जी सिक्योरिटी का जो हमारा टॉपिक है वहां पे जाएगी। तो पूरी खबर क्या है इसको देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में गेल ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को कंप्लीट कर लिया है, जो एक केरल के कोची से लेके कर्नाटक के मंगलुरु तक है। पूरी 444 किलोमीटर इस परियोजना की लंबाई है। शुरुआत हुई थी 2009 में, और जब शुरू हुई थी तो माना जा रहा था कि 2014 तक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हो इंडिया में लैंड के इश्यू होते हैं, भूमि अधिग्रहण एक मुद्दा है,
कई बार टेक्निकल एंगल भी आ जाते हैं और कई बार पर्यावरणीय अनुमोदन के मुद्दे आ जाते हैं जिसके चलते परियोजना डिले हो गई। तो बताया जा रहा है कि अगर ये 2014 के अंदर कंप्लीट हो जाती तब इसकी लागत थी 2,915 करोड़ रुपए की, ये पूरा प्रोजेक्ट होता। लेकिन 2020 में जब ये कंप्लीट हुई है तो 5,750 करोड़ रुपए में कंप्लीट हुए, यानी कि इसकी लागत जस्ट डबल हो गई है। तो परियोजना से क्या होगा, जो प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जा सकेगा और ये केरल के 7 जिलों को गैस आपूर्ति प्रदान करेगी। तो कभी आ जाए, कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन कहाँ है, ये कर्नाटक के मंगलुरु से लेके केरल के कोची तक है और केरल के 7 डिस्ट्रिक्ट को ये बेनिफिट देगी। कहाँ इस्तेमाल होगा इस पाइपलाइन का, डोमेस्टिक यूज के अंदर और साथ के साथ इंडस्ट्रियल पर्पस के अंदर, जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वहां इसका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है, ये काफी अच्छी न्यूज है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में जाएगी, जीएस पेपर 2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है उसको होस्ट करेंगे, मतलब उसमें भागीदारी लगेगी, करेंगे होस्ट नहीं करेंगे, होस्ट तो रूस कर रहा है, आयोजन कर रहा है रूस। जैसे कि आप जानते हो सारे के सारे सम्मेलन इन दिनों वर्चुअली आयोजित हो रहे हैं, सब अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के सामने, एलईडीज के सामने बैठे और मीटिंग कर रहे हैं। तो अभी संघाई में भी वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था मोदी जी ने, अब आया ब्रिक्स, अब ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन में भी इन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स क्या है, इस सम्मेलन के अंदर इन्होंने क्या मुद्दे उठाए, भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है, अभी तक ब्रिक्स के क्या क्या अचीवमेंट्स है। देखो, ब्रिक्स की फुल फॉर्म बता देता हूं मैं, ब्रिक्स की बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज है ब्रिक्स के अंदर। ओके, अब देखते हैं, ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ये अभी रूस में हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस द्वारा आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वर्चुअल रूप से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, देखो स्टूडेंट्स, कि जो कोविड-19 पैंडेमिक के प्रभाव को कम करना, आतंकवाद के विरुद्ध, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करना, ये इसका मेन मुद्दा रहा। अब थोड़ा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, ये हमारे आईआर में जाएगा सीधा, मेंस का रेडीमेड मटेरियल मैंने आपके सामने लाके रख दिया है। बाय चांस पिछले 10 दिनों से अंदर ऐसा हो रहा है स्टूडेंट, जितने भी न्यूज आ रही है टॉपिक ऑफ द डे में हम मैक्सिमम आईआर को ही कवर कर रहे हैं। तो ये मान के चलो आईआर का बहुत बड़ा सेगमेंट आपका धीरे धीरे कवर होता जा रहा है मेरे साथ। ओके, तो ब्रिक्स है क्या, औपचारिक रूप से इसकी पहली जो बैठक हुई थी 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुई थी, याद रखना, ये कभी पीटी में पूछा जा सकता है। ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी, पहली जो बैठक हुई थी 2009, येकतेरिनबर्ग, ये रूस के अंदर है, रूस के अंदर है ये येकतेरिनबर्ग। सदस्य कौन है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अब देख लेते टोटल आबादी कितनी रिप्रेजेंट करता है, दुनिया की 43% आबादी को, दुनिया की जीडीपी के 30% हिस्से को और ग्लोबल ट्रेड के 70, याद रखना, वैश्विक व्यापार के 17% को ये रिप्रेजेंट करती है ब्रिक्स कंट्रीज, ये ध्यान रखना, ये काफी फैक्ट होते हैं। अगर कभी यूपीएससी मेंस का कोई क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स ब्रिक्स के बारे में, तो ध्यान रखना जो ये फैक्ट है, इससे आप इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हो, इंट्रोडक्शन इन फैक्ट्स के साथ शुरू कर सकते हो कि ब्रिक्स अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक जो विश्व की 43% आबादी को, विश्व की 30% जीडीपी को और विश्व के 17% व्यापार को का प्रतिनिधित्व करता है, वर्तमान में वैश्विक स्तर पे या वैश्विक परिदृश्य में अपने महत्व को बनाए रखे हुए, फिर जो आपका क्वेश्चन होगा उसको उस हिसाब से टैकल कर लेना। इंट्रो में आप इसको यूज कर सकते हो पूरा। ओके, आरसीईपी पे भी डिस्कस करेंगे व्लादिमीर, डोंट वरी। ओके, अब ये देखो,
ब्रिक्स की आज तक की उपलब्धियां क्या क्या है, ये देखो ब्रिक्स ने क्या क्या किया। देखो मैंने आसियान की प्रासंगिकता बताई थी, जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हम पढ़ेंगे उसकी प्रासंगिकता हम जरूर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन में इन दिनों जब भी पूछेगा 2020 के मेंस में, 21 के मेंस में या 22 के मेंस में, अब वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रासंगिकता पूछ रहा है, वो किस तरह से क्या उनका महत्व है। तो हम इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं। आरंभ में जहां इसमें मुख्य रूप से पारस्परिक हितों के आर्थिक मुद्दों को, देखो शुरुआत में जब ब्रिक्स बना तब तो ये काम क्या करता था, ये सिर्फ जो आपसी आर्थिक मुद्दे हैं उसी को शामिल करता था शुरुआत में ये, लेकिन आज इसने अपने एजेंडे में कई वैश्विक मुद्दों को शामिल कर लिया है। देखते हैं ब्रिक्स की उपलब्धि आर्थिक रूप से, राजनीतिक और वैश्विक रूप से और अन्य महत्वपूर्ण पहलू देखते हैं। ब्रिक्स आज क्या इसकी भूमिका है वैश्विक परिदृश्य में। देखो ब्रिक्स का एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी बोलते हैं जिसको, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उस न्यू डेवलप बैंक के अंदर सी आ रहे है कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। वो क्या, ये अरेंजमेंट क्या है, देखो जो ब्रिक्स कंट्रीज है उसमें इन कंट्रीज को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो ये बैंक उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड देता है। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स है उनको पैसा देता है। बहुत सारी जैसे इंडिया हुआ, ब्राजील हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब आप आयात और निर्यात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है जो विकासशील देश आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं, मतलब वो 100 रुपए का सामान मंगाते हैं और 50 रुपए का सामान बाहर भेजते हैं, तो यानी कि 50 रुपये उनके फेवर में नहीं है, ऐसा है कि वो आयात ज्यादा कर रहे हैं निर्यात कम कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ जो बैलेंस है ट्रेड का वो बिगड़ जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करने में भी ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज को हेल्प करता है। दूसरा, अब से पहले जब इन कंट्रीज को कोई पैसा लेना होता था, फंड लेना होता था, ये बड़े बड़े पश्चिमी जो देशों की ओर देखते थे या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन संस्थाओं की ओर देखते थे, तब इससे क्या हुआ, पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं का दबाव कम हुआ, क्योंकि अब ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ही इनको ऋण, यही इनको फंड अवेलेबल करा देता है। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं बताओ, धीरे धीरे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना जरूरी है। ओके डन। दूसरा, राजनीतिक और वैश्विक शासन प्रणाली में क्या महत्व है। देखो उफा घोषणा पत्र जारी किया था ब्रिक्स के अंदर ही, देखो एक फोर्टालिजा घोषणा पत्र था, फोर्टालिजा घोषणा पत्र, उफा घोषणा पत्र, मतलब जब भी इनकी बैठक होती है घोषणा पत्र जारी करते हैं। तो जब उफा के अंदर जब बैठक हुई थी रूस के, उस घोषणा पत्र में चीन और रूस के द्वारा क्या बोला गया था, देखो भारत, ब्राजील लगातार मांग कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार हो, विकासशील देशों को भी उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। तब जो उफा घोषणा पत्र था ब्रिक्स का, उसमें ये बोला रूस ने और चीन ने कि वो स्थायी सदस्यता के लिए भारत, ब्राजील, भारत और दक्षिणी अफ्रीका का समर्थन करते हैं। हालांकि चीन के समर्थन को आप जानते भी हो, बोलता कुछ है भारत के लिए करता कुछ और है, लेकिन फिर भी उफा घोषणा पत्र में इन्होंने बोला था कि हम भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। फिर जब यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था, रूस और यूक्रेन के बीच की जो टसल हुआ था उसके समय भी पश्चिमी देशों द्वारा जो रूस पे प्रतिबंध लगाए जा रहे थे तब ब्रिक्स कंट्रीज ने उसका विरोध किया था। ये यानी कि अब ये सिर्फ आर्थिक मामलों को नहीं देख रहा, विश्व के राजनीतिक और शासन से संबंधित पहलुओं को भी ध्यान दे रहा है। फिर और कौन से मुद्दे उठा रहा है, देखो ब्रिक्स, ये देखो गोवा में जब इसका बैठक हुई थी तब गोवा घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों ने बोला था कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कंधे से कंधा लगाकर लड़ेंगे। तो तब उन्होंने सीसीआईटी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पे हस्ताक्षर के लिए सभी देशों को बोला। ये वो ही जब मैंने आपको आतंकवाद कराया था उसमें मैंने सीसीआईटी आपको बताया था कि आतंकवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रयास किए जा रहे हैं,
तो ये देश बोल रहे हैं कि सीसीआईटी पे हस्ताक्षर किए जाए। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो आतंकवादी गतिविधियों के वित्तीयन को रोकने का काम करती है, उसमें भी इन सारे देशों ने बोला कि हम समर्थन करते हैं एफएटीएफ का। और फिर ये भी बोला कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक जो अचीव करने हैं, और पेरिस का जो समझौता है, पेरिस क्लाइमेट कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, कितना डिस्कस किया हमने पिछले दिनों पेरिस को, तब ये बोल रहे हैं पेरिस समझौते को तुरंत लागू करने की बात कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट्स, अगर मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो आप ये बोलना शुरुआत में, जहां ये सिर्फ आर्थिक मामलों को हैंडल कर रहा था, लेकिन समय के साथ साथ इसने अपने कार्यविधि को और भी ज्यादा व्यापक बनाया। अब ये राजनीतिक वैश्विक शासन से संबंधित मुद्दों को, पर्यावरणीय मुद्दों को, आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दों को, उनको भी ये अपने एजेंडे में शामिल करता है और वैश्विक रूप से विकासशील देशों को एक बेहतर मंच प्रदान करने का ब्रिक्स ने एक ऑप्शन खोला है। ओके, समझ में आया? अगर ब्रिक्स आता है, हैंडल कर लोगे ना, अभी आप ब्रिक्स को हैंडल करना सीख जाओगे। फिर देखो, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है ब्रिक्स के अंदर? ब्रिक्स की जो कंट्रीज है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके बीच में कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं, कुछ विरोधाभास और चुनौतियां हैं। अगर ब्रिक्स बहुत अच्छे से काम करना चाहता है तो इन देशों को अपने आपसी विवादों का समाधान करना पड़ेगा। सबसे बड़े दो राइवल्स तो कौन है इसके अंदर? इसके अंदर दो बड़े राइवल्स कौन है? चाइना एंड इंडिया। इन दोनों के आपसी हित टकराते हैं, चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो ब्रिक्स एक बेहतर संगठन के रूप में काम करेगा तो इसके सदस्य देशों के बीच में आपसी संबंध बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो क्या है कि ब्रिक्स के जो देश है, क्षेत्रीय शक्ति की महत्वाकांक्षा के कारण एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चीन तो ये चाह रहा है पूरी दुनिया को हड़प लूं मैं, ठीक है, तो उस प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना होगा। दूसरा, ब्रिक्स के जितने भी देश है, अलग अलग देशों में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। जैसे भारत और ब्राजील में तो क्या है, डेमोक्रेसी है, रूस और चीन में क्या है, ऑथोरिटेरियन सिस्टम है। तो इससे भी देखो, अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं होने से आइडियोलॉजी आपकी अलग हो जाती है। आइडियोलॉजी अलग होगी तो आपका समाज, आपकी अर्थव्यवस्था एक नए तरीके से काम करेगी, इससे भी आपसी विरोधाभास बन जाता है। ब्राजील लगातार मंदी की चपेट में है, रूस के सामने जो मेजर प्रॉब्लम आती है उसका ऑयल प्राइस को लेके उसको प्रॉब्लम आती है, और ज्यादातर पश्चिमी देश उसके ऊपर प्रतिबंध लगाते रहते हैं समय समय पर। कभी यूक्रेन का इश्यू करेगा तो कहीं क्रीमिया का करेगा, तो पश्चिमी ताकतें उससे परेशान होकर उसके ऊपर लगा देती है रेस्ट्रिक्शंस। चीन की अर्थव्यवस्था भी मंदी की स्थिति में एक लंबे टाइम से चल रही थी, और भारत चीन सीमा विवाद और दक्षिण चीन सागर विवाद ऐसे विवाद है जिसके चलते ब्रिक्स के सामने कुछ चुनौतियां हैं। अगर इन चुनौतियों का ये आपस में समाधान कर लेते हैं तो ये ब्रिक्स का एक लंबा करियर होगा। अगर ये देश आपसी उसमें ज्यादा टेंशन में फंस गए तो ब्रिक्स की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, इससे कहने से कोई दोराई नहीं। ये क्लियर हुआ आपको? बताइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है unacademy_Naveen Tavar, यहाँ पे सब सबको मिलता है। गाइड कीजिए एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए ताकि बच्चे जुड़ पाए मुझसे। चलो, ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ये देखो, बहुत ही शानदार खबर है, वर्ल्ड बैंक एडवाइस करेगा दीपम को। बताएंगे दीपम क्या है इस मामले में? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है, उद्यम है, उनकी जो परिसंपत्तियां है उनके मुद्रीकरण में विश्व बैंक दीपम को एडवाइस करेगा। मैं पहले समझा देता हूं आम भाषा में, पहले तो ये जानते कहाँ जाएगा ये जनरल स्टडीज पेपर थर्ड में जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी का मुद्दा है। देखो, अभी हमारे बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं, अभी हमारी बहुत सारी संपत्तियां देश की ऐसी है
जिनका एक प्रॉपर वैल्यू या उनका मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। तो वित्त मंत्रालय के अंदर एक विभाग है डीपम, जिसको डीपम बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अगली स्लाइड में प्रॉपर मैंने लिख के बताया है। तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। तो इस विभाग ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौता किया है कि देश की ऐसी संपत्तियां जो आज उनका वास्तविक मूल्य हम आकलित नहीं कर पा रहे कि उनकी एक्चुअल कीमत क्या होगी, अगर उसको हम मोनेटाइज करना चाहे, उसको बेचना चाहे, उसका विमुद्रीकरण करना चाहे, उसमें डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो बेस्ट तरीके क्या हो, बेस्ट उसका एक स्ट्रेटजी क्या हो, उसके लिए वर्ल्ड बैंक की और दीपम के बीच में आपसी समझौता है, जिसमें विश्व बैंक अपने अनुभवों से, अपने मैनेजमेंट से, अपनी एक्सपर्टाइज से वो दीपम को गाइड करेगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ या नहीं बताओ? इसका बैकग्राउंड मैंने क्लियर कर दिया, बाकी अब देखेंगे। ओके, क्लियर। अब देखो, ये देखो, दीपम एवं वर्ल्ड बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये खबर है हमारी। तो दीपम का मतलब ये वित्त मंत्रालय के, देखो मंत्रालयों के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के अंदर भी बहुत सारे विभाग हैं, जिसमें से एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या है इस समझौते के अनुसार? जो वर्ल्ड बैंक है, दीपम को क्या करेगा, जितनी भी एसेट है हमारी जिनको सरकार मोनेटाइज करना चाहती है, उनके मौद्रीकरण में, ये लो, उनके मौद्रीकरण पर ये सलाह सेवा देगा। अब ये कौन सी परिसंपत्तियां है? ऐसा तो है नहीं भाई, अगर आज भाई सपोज करो केल बहुत अच्छा काम कर रही है, ONGC बहुत अच्छा काम कर रही है, NTPC बहुत अच्छा काम कर रही है, अब इनका थोड़े ना हम विमुद्रीकरण कर देंगे। नहीं, ऐसी परिसंपत्तियां, ऐसे ऐसी एसेट इंडिया के अंदर जो अभी तक अनयूटिलाइज्ड है, जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं किया गया या अंडर यूटिलाइज्ड है, ऐसी सार्वजनिक एसेट्स को हम रेवेन्यू के सोर्सेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमें एक विशेषज्ञ सलाह की जरूरत है, जो हमने मांगी है किससे? वर्ल्ड बैंक से। ओके, और सरकार ने बोला कि जो दीपम क्या करेगा, 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक की कीमत के रणनीतिक विनिवेश। देखो दो चीज होती है, एक विनिवेश होता है और एक होता है रणनीतिक विनिवेश। दोनों बताऊंगा मैं, थोड़ा पेशेंस रखना। रणनीतिक विनिवेश दोनों का ही अंतर मैं आपको समझा दूंगा, बस थोड़ा रखना कि विनिवेश क्या होता है, रणनीतिक विनिवेश दोनों समझा दूंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि केंद्र सरकार ने इस विभाग को बोला कि जितने भी 100 करोड़ या उससे ज्यादा की कीमत वाली देश के अंदर संपत्तियां है, उनका रणनीतिक विनिवेश करना है, जिससे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है उनके गैर कोर परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण किया जा सके। मोटी सी बात ऐसी है, ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऐसी एसेट्स जिनका अभी तक हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए, सरकार चाहती है या तो वो हमें पैसा कमा के दे, वो रेवेन्यू जनरेट करके दे, उसके बारे में वर्ल्ड बैंक से सलाह ले लो, या एक काम करो इनको बेचना शुरू कर दो ताकि हमें अच्छी कीमत मिलना शुरू हो जाए। ये पूरा मामला है। फिर क्या है, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार क्या चाह रही है, जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी को बेचने की योजना बना रही है। और जो दीपम है, ये जो शत्रु परिसंपत्तियां है उसके मौद्रीकरण को भी सुगम बनाएगा। मतलब सरकार पैसा जुगाड़ने के प्रयास में लगी हुई है कि कहीं से पैसा आ जाए, चीजें ऐसी एसेट्स जो हमारे काम की नहीं है उससे हम पैसा ले ले, या उनको ऐसी एसेट्स में कन्वर्ट कर दे जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे दे। ये सरकार के दिमाग में चल रही है, उस चीज के लिए सरकार ने दीपम को जिम्मेदारी दी, दीपम ने जाके हाथ मिलाए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। डन, क्लियर है या नहीं? फिर आगे चलेंगे। देखो जब इकोनॉमी के मुद्दे आते हैं ना, मैं थोड़ा थम के और ठहर के चलता हूं,
क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं ये, अगर एक भी बार आपके सर से ऊपर से उतर गए तो पूरा टॉपिक फिर दोबारा से ही देखना पड़ेगा। अब देखो शत्रु संपत्ति का भी इसने बोला है कि उससे भी पैसा निकालो, ऐसी संपत्तियां जो शत्रुओं की है उससे पैसा निकाल के लाओ, दीपम को बोला। तो पहले तो समझेंगे शत्रु संपत्तियां है क्या। देखो 1965 में और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए थे, और युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे। तब 1962 का हमारे पास एक एक्ट था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962। उस एक्ट के तहत भारत सरकार ने जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे ऐसे कुछ लोगों की संपत्तियों को अपने कब्जा में ले लिया। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान जाके भारत की राष्ट्रीयता को छोड़ दिया था और पाकिस्तान की राष्ट्रीयता को स्वीकार कर लिया। लेकिन पाकिस्तान तो हमारा शत्रु है, चीन भी हमारा शत्रु है, तो ऐसे लोग जो भारत से चले गए, अपनी संपत्तियां भारत में छोड़ गए, अपने घर, अपने मकान, अपने होटल, अपनी जमीनें भारत में ही छोड़ के चले गए और जाके पाकिस्तान की नागरिकता उन्होंने ले ली, तो इन सभी परिसंपत्तियों को हम बोलते हैं शत्रु संपत्तियां। क्लियर हुआ भाई? शत्रु परिसंपत्ति क्लियर हो गई? भारत से पाकिस्तान जाने वाले, चीन जाने वाले ऐसे लोग जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी, चीन की या पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली, तो उनकी जो एसेट इंडिया में रह गई उस एसेट को हमने बोला एनिमी प्रॉपर्टी। अब सरकार ने जिम्मेदारी दी है दीपम को कि जो ऐसी एनिमी की प्रॉपर्टी है, हो सकता है वो कोई क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है वो कोई लैंड हो एग्रीकल्चर, हो सकता है कोई वो बड़ी बिल्डिंग हो सकता है कोई इमारत हो सकता है कोई महल हो सकता है कोई घर हो, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। अब उसको हैंडल करने का, उसको हैंडल करेंगे और उससे पैसे निकालने का, रेवेन्यू जनरेट करने का काम दिया गया है दीपम को कि बताओ भाई इसका हम क्या करेंगे। तो शत्रु संपत्ति भारत सरकार के शत्रु संपत्ति अधिनियम है 1968, जिसको 2017 में सरकार ने संशोधित किया था, उसके तहत ये शत्रु संपत्तियां भारत सरकार इनको हैंडल करेगी। जनवरी 2020 में इन शत्रु संपत्तियों के निपटान की निगरानी के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भी एक मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया था कि भाई देखे इन शत्रु संपत्तियों का हो क्या रहा है। और भारत सरकार का अनुमान है कि आज भारत के अंदर जितनी भी शत्रु संपत्तियां हैं उनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए तक की है। ये देखो काफी बड़ी परिसंपत्ति है भारत में शत्रुओं की। शत्रु परिसंपत्ति का जो आकलन किया गया वो 1 लाख करोड़ तक की परिसंपत्तियां मानी गई है। डन? फिर जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगा विनिवेश क्या होता है और रणनीतिक विनिवेश क्या होता है। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही महत्वपूर्ण है। देखो जितने भी हमारी सरकारी उद्यम है, सरकारी कंपनियां हैं, उसमें सरकार की हिस्सेदारी को बेचने की जो हमारा प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं विनिवेश। भाई सरकार की हिस्सेदारी है, मान के चलो सरकार की हिस्सेदारी है ONGC के अंदर 100% सरकार की हिस्सेदारी, लेकिन सरकार चाह रही है इसमें से मैं अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच दूं, तो उस हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया को तो हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट विनिवेश। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए सरकार अपने शेयर्स को निजी कंपनियों को या प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करती है, लेकिन उसमें अपना जो ओनरशिप है, मालिकाना हक सरकार अपने पास ही रखती है डिस इन्वेस्टमेंट में। लेकिन जो रणनीतिक विनिवेश है इसमें सरकार क्या करती है, मालिकाना जो हक होता है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देती है। यानी कि इस कंपनी का अगर सरकार रणनीतिक विनिवेश करती है, फॉर एग्जाम्पल ONGC का, तो इसका मतलब आने वाले दिनों में अगर इसका रणनीतिक विनिवेश हो गया तो इसका प्रबंधन, इसका नियंत्रण और इस पे मालिकाना हक किसका होगा, वो प्राइवेट सेक्टर का होगा। उसको बोलते हैं हम रणनीतिक विनिवेश। डन? क्लियर हुआ ये आपको? रणनीतिक विनिवेश क्या होता है? आपका मैनेजमेंट, आपका कंट्रोल, आपका ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को चली जाती है।
डन। तो रणनीतिक विनिवेश में जो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज है उनके शेयर के साथ ही उनका प्रबंधन और नियंत्रण भी हस्तांतरण किया जाता है, यानी कि निजी इकाई को उसके मालिकाना हक को ट्रांसफर करते हैं। सॉरी, अगर दूसरे या आम शब्दों में समझे तो एक तरह का ये प्राइवेटाइजेशन ही है, एक तरह का निजीकरण है रणनीतिक विनिवेश। डन, क्लियर हुआ ये? अरे पीएसयू सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इनको पीएसयू बोलते हैं। ओके, देखो यहां मैं आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं। देखो, सरकार जब डिस इन्वेस्टमेंट करती है, विनिवेश करती है, किसमें? सरकारी कंपनियों का। तो सिक्स टाइप है वो, छह तरीकों से वो डिस इन्वेस्टमेंट होगा, ध्यान कर लेना, लिख लेना इसको। पहला तरीका है आईपीओ जारी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये लो। आप जब इकोनॉमी पढ़ेंगे आपके सर पढ़ाएंगे वो आईपीओ, क्योंकि अगर अभी ये छह के छह तरीकों को मैं बताने लग गया तो 2 घंटे इसी में चले जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे। बस मैं आपको ये बता देता हूं, जब विनिवेश होता है तो छह तरीकों से विनिवेश होता है। ये सूचना बहुत सरकारी मंत्रालय की वेबसाइट से ली गई है। दूसरा है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, जिसको बोलते हैं एफपीओ, दूसरा तरीका है विनिवेश का ये। तीसरा है ऑफर फॉर सेल, OFS बोला जाता है इसको, लिख लेना ऐसे ही, ऑफर फॉर सेल। चौथा है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जो मैंने अभी बताया, विनिवेश का एक तरीका बताया ना मैंने, रणनीतिक विनिवेश, तो एक तरीका है वो। छह तरीकों से सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच सकती है, पहला आईपीओ, दूसरा एफपीओ, तीसरा OFS, चौथा है स्ट्रेटेजिक सेल, पांचवा है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, आईपीपी बोला जाता है जिसको, और छठा है सीपीएससी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आप अक्सर सुनते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इन छह तरीकों से सरकार अपनी कंपनी सार्वजनिक उद्यमों के अंदर विनिवेश कर सकती है। स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लेना, जब भी जैसे ही आपको जो आपके इकोनॉमी के टीचर पढ़ाएंगे, जब वो आईपीओ पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एफपीओ पढ़ाएंगे तब भी ये सारी चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी तो ये नाम नोट कर लो ताकि आपको याद रहे कि सरकारी कंपनियों में छह तरीकों से भी निवेश किया जा सकता है। डन, ये आपको स्लाइड मिल जाएगी पीडीएफ में, प्रॉपर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, डोंट वरी। देखो मेरी लगातार कोशिश है एक स्टेप आगे जाओ आप पढ़ाई में, सिर्फ जो न्यूज़पेपर बताना चाह रहा है सिर्फ उतना ही पढ़ाना मेरा लक्ष्य नहीं है स्टूडेंट, मैं चाहता हूं जितना है उसके पीछे की पूरी कहानी समझने की कोशिश करें, तभी आपकी जो यूपीएससी की दिशा में जो आपके कदम है ना वो कंसोलिडेट होंगे, आपको चीजें समझना शुरू आएगी। डन, चलो डन हो गया ये भी। अब ये देखो आज की अगली खबर है और यही हमारा टॉपिक ऑफ द डे भी रहेगा, याद रखना टॉपिक ऑफ द डे भी यही है, टॉपिक ऑफ द डे। बहुत शानदार और उम्दा खबर है, इतने इतने गंभीर तरीके से, इतने डाइमेंशंस के साथ मैं आपके सामने इस खबर को लेके आया हूं। खबर है इंडिया ने आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इससे इंडिया बाहर हो गया। चीन और 14 देशों ने मिलकर इस पे समझौता किया है कि वो आरसीईपी करेंगे। ये पिछले 2-3 सालों से, वैसे तो 2012 से चला आ रहा है आरसीईपी का मुद्दा। तो आरसीईपी है क्या, इंडिया इससे बाहर क्यों निकला, बाकी सारी कंट्रीज इसमें क्यों शामिल हुई, इंडिया के बाहर निकलने का इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे आरसीईपी में। और ये सीधा मेंस का क्वेश्चन है, याद रखना सीधा डायरेक्ट मेंस में आने वाले क्वेश्चन है, या तो अभी 2020 में ही आ जाएगा, हो सकता है 2020 का जो यूपीएससी का पेपर बन रहा हो उसी में ही ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ओके,
तो इसको बहुत डिटेल से समझेंगे। कौन से पेपर में जाएगा? जनरल स्टडीज पेपर टू आईआर में जाएगा और जनरल स्टडीज पेपर थ्री इकोनॉमी में जाएगा। दोनों पेपर में ये जाने वाला है। ओके, उसके साथ ये जनरल स्टडीज पेपर फोर में जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर फोर ये इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, ये भी एथिक्स में हमारा सिलेबस है। ओके, तो जीएस पेपर टू थ्री फोर तीनों पेपर में जा रहा है ये। तो अगर ये पेपर में इस साल आए या अगली साल आए, पीटी में आए, मेंस में आए और ना आए, आज आप इस टॉपिक के पूरे मास्टर होने वाले हो। कम से कम 35 से 40 मिनट आरसीईपी ही चलने वाला है आपके सामने आज। समझो, ये देखो, पहला पहले तो ये जान लो इसके अंदर आरसीईपी के अंदर 15 कंट्री है। अगर भारत शामिल हो जाता तो 16 कंट्री हो जाती। वो 15 देश कौन से हैं? 10 तो आसियान कंट्री है। जो आसियान मैंने आपको बताया था, आसियान में था ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 10 तो ये आसियान कंट्री है। एक 11 जापान, 12 चीन, 13 साउथ कोरिया, 14 है ऑस्ट्रेलिया, 15 है न्यूजीलैंड। अगर भारत शामिल हो जाता तो ये हो जाते 16, लेकिन अब है ये 10+5, 15 कंट्रीज है इसके अंदर। डन। ओके, तो पांच देशों में है जापान, चाइना, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ओके, आगे चलते हैं। अब आरसीईपी को समझते हैं, बिल्कुल बेसिक रूट पॉइंट से चलेंगे स्टूडेंट। एक-एक शब्द इस पूरी जो एनालिसिस का है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता। तो आरसीईपी दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों, जिसमें हमने आसियान देश हो गए, और उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कंट्रीज है, मतलब इन आसियान कंट्रीज के जिन और पांच देश ऐसे हैं जिससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनके बीच की भागीदारी वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। समझाऊंगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, डोंट वरी। तो आसियान और उसके पांच देशों के बीच में और अन्य पांच देशों के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता है। भारत इससे बाहर हो गया। भारत भी आरसीईपी के मुक्त व्यापार भागीदारी देशों में से था, लेकिन हाल ही में इस समझौते से भारत बाहर हो गया है। ये बात तो है न्यूज़पेपर्स की। पहले जान लेते हैं आरसीईपी के बारे में। अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो 47.4% वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि दुनिया की 50% जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व है। वर्ल्ड की टोटल जितनी भी इकोनॉमी है उसका 1/3, ऑलमोस्ट 32.2%, यानी कि 1/3 ये इकोनॉमी का, जितना टोटल 2018 में जितना टोटल इन्वेस्टमेंट आया था पूरी दुनिया में, जितना इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हुआ, फ्लो हुआ, उसका भी 1/3 आशिया इन्हीं के अंदर होता है जो आरसीईपी कंट्री है। और जितना ग्लोबल ट्रेड है उसका भी लगभग 29%, यानी कि लगभग 1/3 क्या है, ये ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है आरसीईपी। बहुत ही पावरफुल ब्लॉक है ये। अब आगे देखो, मुख्य मुद्दा क्या है? अभी देखो, भारत के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आसियान की जो कंट्री है, 10 आसियान जो देश है, भारत के आरसीईपी के बहुत सारे देशों के साथ व्यापार घाटा है। व्यापार घाटे का मतलब 100 रुपए का अगर हमने टोटल ट्रेड किया तो इस ट्रेड का मतलब ये है। वही पहले वाला एग्जाम्पल, इंडिया सिर्फ 50 रुपए का तो बाहर भेज रहा है, ये मान के चलो 70 से 80 रुपए का मंगा रहा है, तो 80-50 कितना हो जाएगा, तो ये 30 हो गया, यानी कि 30 इंडिया के फेवर में नहीं है। भारत निर्यात कम करता है, आयात ज्यादा करता है इन देशों के साथ। मेजर प्रॉब्लम इंडिया की ये है कि व्यापार घाटा है। जैसे
आसियान के जो 10 देश है उनके साथ कुल मिला के देखा जाए तो माइनस के 23.82 बिलियन डॉलर, ये घाटा है। चीन के साथ लगभग माइनस के 50 बिलियन डॉलर का घाटा, दक्षिण कोरिया के साथ माइनस के 10 बिलियन डॉलर, जापान के साथ माइनस के 7.9, न्यूजीलैंड के साथ माइनस के 10.14 और ऑस्ट्रेलिया के साथ माइनस के 6.93। लगभग सारे देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा, समझ गए ना इसका मतलब। यानी कि लगभग सारे देश इंडिया से अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़े हैं। तो अगर इंडिया को जो जो इश्यूज आरसीईपी में फील हो रहे हैं, उसको लग रहा है भारत के हित में नहीं है वो इश्यूज, और उन इश्यूज को सॉल्व किए बिना ही अगर भारत आरसीईपी में शामिल हो जाता है तो ये मान के चलो कि भारत की व्यापार की स्थिति या व्यापार घाटा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इंडिया के कुछ इश्यूज है जिनको वो चाहता था कि पहले उनको सॉल्व करो, क्योंकि पहले से ही मेरा आप लोगों के साथ व्यापार घाटा चल रहा है और जो इश्यूज मैं सॉल्व कराना चाहता हूं अगर आपने वो सॉल्व नहीं किए तो मेरी तो अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी, भाई इस ब्लॉक में शामिल क्यों हूं मैं। ठीक है, समझो, स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर खोलेंगे आरसीईपी के एक एक करके। इतना क्लियर हुआ, आगे देखो। अब ये क्षेत्रीय व्यापक जो आरसीईपी है, ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया इसका विरोध कर रहा है। भारत में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखते हैं क्या है। तो आरसीईपी समझौता जहां अपने अंतिम रूप लेने वाला था, भारत में कुछ समूह द्वारा इसका समर्थन किया गया और कुछ के द्वारा विरोध। अब देखो भारत में विरोध करने वाले कौन है, किसान, डेयरी के जो डेयरी दुग्ध उत्पादों की जो डेयरी होती है वो डेयरी के संचालक, कोऑपरेटिव संगठन और भारतीय मजदूर संगठन आदि, ये तो कर रहे हैं इसका विरोध। समर्थन कौन कर रहा था, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और जो बड़े बड़े औद्योगिक समूह हैं वो इसका समर्थन। यानी कि भारत भी दो ग्रुप में बटा हुआ था कि आरसीईपी में जाए या ना जाए। अगर किसानों की डेयरी को चलाने वालों की, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, और जो इंडिया के जो आपके मजदूर संगठन है उनकी माने तो वो कर रहे थे इसका विरोध, कुछ इंडस्ट्रीज इसका समर्थन कर रही थी। हालांकि सारी की सारी इंडस्ट्रीज समर्थन नहीं कर रही थी, जैसे इस्पात इंडस्ट्री है वो इसका विरोध कर रही है। ओके, तो समर्थन और विरोध में भारत भी बटा हुआ है। डन, इतना समझ में आया। इसके बाद आगे चलेंगे। इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ या नहीं। अब देखो आगे, फिर देखो, भारत में भी कुछ औद्योगिक, मैंने बोला था सारे उद्योग समर्थन में नहीं है, कुछ इंडस्ट्रियल ग्रुप ऐसे हैं उनको भी कुछ चिंताएं हैं। देखो उनकी चिंताएं क्या क्या है, समझने की कोशिश करो पहले चिंताओं को। कुछ उद्योग इस कारण चिंता है कि कितनी मात्रा में भारतीय बाजार में आरसीईपी देशों को पहुंच दी जाएगी। पहले तो ये क्लियर करो कि अगर आरसीईपी में इंडिया शामिल हो जाता है किस सीमा तक आरसीईपी कंट्री इंडिया की मार्केट में एंट्री करेगी। पहली बात ये बिल्कुल साफ साफ करो, एक चिंता ये। कुछ उद्योगों को डर है कि कुछ औद्योगिक क्षेत्र, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र है उद्योगों के, वो आरसीईपी देशों से आने वाले सस्ते उत्पादों के प्रति गैर प्रतिस्पर्धी है। पूरा MSMEs आपका जो इंडस्ट्री है वो तो चीन के, वियतनाम के, कंबोडिया के, इन मार्केट के सामने बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। अभी आप देखते हैं ना, पूरा बाजार चाइना के प्रोडक्ट से भरा पड़ा हुआ है, जितना छोटे छोटे चीजें हैं आपकी। तो उनको ये डर है कि हमारे कुछ सस्ते, जो चीन से या आसियान कंट्री से या इनसे जो सस्ते उत्पाद आएंगे वो भारतीय बाजारों को भर देंगे, भारत का विनिर्माण क्षेत्र उसके सामने नतमस्तक। तीसरा, सस्ते चीनी उत्पाद भारतीय बाजारों को भर देंगे। फिर देखो, भारत की पहले भी बहुत से आरसीईपी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते हो रखे हैं,
लेकिन उसमें भारत की लाभ की स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत ने आरसीईपी की कंट्रीज के साथ उसके बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, आसियान की बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मुक्त में व्यापार करने की इन्होंने समझौते किए हुए हैं कि आप हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, हम फालतू के आप कोई प्रशुल्क नहीं लगाओगे, हम भी आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी जितने हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं आरसीईपी कंट्रीज के साथ, उनमें इंडिया लाभ की स्थिति में नहीं है, वो हमने पहले ही देख लिया। हर किसी के साथ नेगेटिव में चल रहा है, वो चीन के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। फिर जो इंडिया का जो स्टील इंडस्ट्री है उसका क्या कहना है कि चीन का जो इस्पात उद्योग है वो इंडिया से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, सस्ता है और बेहतर है, तो सक्षम प्रतिस्पर्धी नहीं है। तो अगर आपने भारत की स्टील इंडस्ट्री के सामने अगर चीन की स्टील प्रोडक्ट्स आते हैं तो भारत की स्टील इंडस्ट्री तबाह। उसके साथ अगर आपने डेयरी उद्योग को खोल दिया तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वहां बाजी मार जाएंगे। वहां किसानों की रीढ़ की हड्डी, ये मान के चलो डेयरी पूरा सेक्टर है, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये चिंताएं हैं इंडिया की। इतना क्लियर हुआ जो चिंताएं क्या उठा रहे हैं हम? डन। आगे देखो, आरसीईपी का समर्थन करने वाले जो ग्रुप है उनका मानना है कि भारत को विशाल और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। जो समर्थन कर रहे हैं वो कहते हैं भाई आसियान जो कंट्रीज है, आसियान का जो पूरे 10 देश है, उसके साथ चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, एक बहुत बड़ा बाजार है जिसमें अगर इंडिया शामिल हो जाए तो भविष्य में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है और इन कंट्रीज से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ये उनका मानना है। मतलब एक ग्रुप ऐसा है जो ये कह रहा है ये फायदे हो सकते हैं, एक ग्रुप कह रहा है कि ये नुकसान हो सकते हैं। अब भारत का निर्णय क्या था? देखो निर्णय क्या था, भारत ने क्यों स्टैंड लिया, मना क्यों किया? तो भारत ने आरसीईपी समझौते में शामिल होने से मना कर दिया। भारत का कहना था कि भारत की जितनी भी चिंताएं हैं, हमारा डेयरी उद्योग, हमारा इस्पात उद्योग, हमारा विनिर्माण उद्योग, उन चिंताओं का समाधान नहीं किया गया। आप सिर्फ कह रहे हो शामिल हो जाओ शामिल हो जाओ, अरे भाई हमारे तो इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, या तो हमारे जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर दो, हम आ जाएंगे आपके इस ग्रुप में। ओके। हालांकि इस समझौतों को लेकर बातचीत 2012 से ही शुरू हो गई थी, कोई नया समझौता नहीं है, लेकिन अभी तक इस पर बातचीत के कई दौर संपन्न हो चुके थे, भारत लगातार अपने मुद्दों को उठाता जा रहा था। डन। नहीं पिछड़ेगा भैयो, नहीं पिछड़ेगा, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो कुछ पन्ने ही पलटे हैं, मैंने केवल केवल कुछ पन्ने पलटे हैं। और बात पिछड़ने की नहीं है, बात है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। आप इंडियन की भारत के अगर छोटे मोटे उद्योगों पे, कृषि क्षेत्र में, डेयरी उद्योग पे अगर ताले लग जाएंगे तो फिर विकास किस चीज का? अरे मानव साध्य है, ध्यान रखो साध्य है, हमारे जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। फिर देखो, अब जो भारत के कुछ मुद्दे थे, सुनो क्या क्या मुद्दे हैं जो भारत चाहता था कि ये 3 मेजर मुद्दे हैं, इनको शामिल कर लो, मैं आपके आरसीईपी में आने की सोच लूंगा। 3 मुद्दे। देखो जब ये आपस में आरसीईपी करेंगे, 15 देश, अगर भारत भी शामिल हो जाता तो 16 देश, तब ये एक ऐसे आपसी सहमति पे पहुंचते कि एक काम करेंगे भाई, टैक्स की रेट क्या होगी, किस टैरिफ रेट पे हम एक दूसरे के साथ, भाई ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो टैरिफ रेट का डिसाइड करेंगे ना, या हम टैरिफ को डिडक्ट करेंगे, भाई हमने ये बोला आपस में सारे व्यापार कर लो, इंडिया भी, चाइना भी, जापान भी, आसियान भी, अभी तो ये एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स लगा रहे हैं, कुछ परसेंटेज लगा रहे हैं। जब आपस में सारे शामिल हो जाएंगे, आरसीपी में आ जाएंगे, बोलेंगे भाई इन टैरिफ्स को कम करना शुरू करो, अभी अगर आप 10% लगा रहे हो तो या तो उसको 0 पे लेके आ जाओ, या उसको 1% पे ले आओ, 2% पे ले आओ, इस तरह की बातचीत होगी ना। तो जब बातचीत का दौर चल रहा था तो भारत क्या चाह रहा था? देखो, भारत कटौती का आधार वर्ष जो आरसीईपी की कंट्री थी वो कह रहे थे 2014 को बेस ईयर बनाओ,
भारत कह रहा है 2014 नहीं 2019 को बेस ईयर बनाऊंगा मैं, क्योंकि 2014 में जो इंडिया की इंडस्ट्री उसका साइज इंडियन इकोनॉमी का साइज था, और जो 2019 में भारत के उद्योग जिस तरीके से बढ़ रहे थे, जिस तरह से हम एक्सपेंड कर रहे थे, उसमें फर्क था। तो इंडिया चाहता था कि 2019 को बेस रेट बनाया जाए, आरसीईपी की कंट्री चाहती थी कि 2014 को, ताकि इंडिया इसलिए चाहता था ताकि 2019 बेस रेट रहेगा, तब हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील करेंगे, तब आरसीईपी में हम प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे। ये उन्होंने मानने से मना कर दिया, पहली बात। दूसरा, भारत चाहता था कि एक ऐसे प्रोविजन शामिल किए जाए जिनको हम बोलेंगे ऑटो प्रोटेक्शन, ऑटो प्रोटेक्शन, समझने की कोशिश करना इसको, ऑटो प्रोटेक्शन के प्रोविजन। इसका मतलब ये था भाई, भारत का डेयरी उद्योग है, भारत का स्टील इंडस्ट्री है, भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है हम आरसीपी में आ जाते, कंपटीशन करो, लेकिन अगर आपके कंपटीशन इस लेवल पे होता है कि हमारे उद्योग बंद होने के कगार पे आते हैं, तो एक ऑटो प्रोटेक्शन का क्लोज होना चाहिए कि जैसे ही हमें लगेगा कि भारतीय इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से भारत के क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, तब ऑटोमेटिक उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने बोला हम भाई ऑटो प्रोटेक्शन को भी शामिल नहीं कर रहे, ये लो इसको भी हम शामिल नहीं कर रहे। तीसरा था रूल्स ऑफ ओरिजिन, रूल्स ऑफ ओरिजिन, समझने की कोशिश करना, बहुत टेक्निकल टर्म है ये। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है, एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसको टेक्निकली डिफाइन करूंगा तो नहीं समझ में आएगा। ये मान के चलो एक बंदा है पी, एक एक कंट्री है क्यू, पी और क्यू, आज पी और क्यू ने आपस में समझौता कर लिया फ्री ट्रेड का, कि आप पी वाले अगर क्यू में कुछ सामान भेजेंगे तो क्यू उस पर कोई ज्यादा टैक्स नहीं लगाएगा, क्यू अगर पी को भेजता है तो पी भी उस पर इम्पोर्ट टैरिफ नहीं लगाएगा, मतलब जब आयात होगा क्यू से पी मंगाएगा तो उस पर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, ये हमने कर लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन आप ये मान के चलो एक आर है, एक आर ऐसा देश है, वो भी इस तरह की व्यवस्था में आना चाहता है, भाई पी क्यू के साथ वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, तो दो तरीके हैं। अगर आर भी चाहता है कि इस तरह के प्रशुल्क ना लगे उसके ऊपर जैसे पी और क्यू के बीच की व्यवस्था है, दो चीज है, या तो आर भी जाके इसमें एफटीए में शामिल हो जाएगा तो पी क्यू आर तीन कंट्री हो जाएगी, या आर एक चालाकी कर सकता है, आर क्या करेगा, वो बोलेगा एक काम करता है, मेरा और क्यू का आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, भाई जैसा पी और क्यू का है ऐसा आर और क्यू का भी है, तो आर क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट भेज देगा क्यू में, और क्यू चालाकी से उन प्रोडक्ट को भेज देगा कहां पे, पी में। तो भारत चाहता था कि जो प्रोडक्ट्स है उनका ओरिजिन पता होना चाहिए, रूल ऑफ ओरिजिन का एक मुद्दा था, उस पे बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी टेक्निकलिटीज थी, भारत उनका समाधान चाह रहा था, उसका भी समाधान आरसीईपी नहीं कर पाया। तो प्रशुल्क का मामला नहीं, जो बेस ईयर का मुद्दा अटक गया, ऑटो प्रोटेक्शन का क्लोज आ गया, और रूल्स ऑफ ओरिजिन जाके अटक गया। इन तीनों मुद्दों का मेजर, बहुत सारे और इश्यूज थे लेकिन ये तीन मेजर इश्यूज थे, इनका समाधान नहीं हो पाया। क्लियर हो रहा है या नहीं, उलझ तो नहीं गए ना, मानसिक उधेड़ बुन में उलझ तो नहीं गए। फटाफट बताओ, फीडबैक दो, समझ में आ रहा है या नहीं। हिना, आदित्य, मनप्रीत, सूरज, देखो मैं हमेशा टॉपिक ऑफ द डे पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, एक बार ऐसा पढ़ेंगे खत्म, 6 महीने बाद भी आप पढ़ोगे ना तो आरसीपी में यही निकल के आएगा जो आज हम पढ़ेंगे। फिर देखो, अब हम एक एक सेक्टर को उठाएंगे, आरसीईपी और भारत का डेयरी जो उद्योग है उसकी हालत क्या है। देखो भारत के डेयरी क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है, भाई डेयरी उद्योग, भाई हम पनीर बना रहे हैं, दूध, दही, घी,
ये सारे प्रोडक्ट्स है जो हमारे, तो भारत के डेयरी क्षेत्र की जो मुख्य समस्या थी कि जो आरसीईपी देश है उनमें जो कृषि उत्पादों पर प्रशुल्कों की क्लोज थी, जो कि विश्व व्यापार संगठन के जो वर्तमान, देखो ऐसा नहीं है कि आरसीईपी देशों का ही आपस में ट्रेड हो रहा है, डब्ल्यूटीओ में भी तो ट्रेड के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी तो उसको कंट्रोल करता है ना, रेगुलेट करता है। भारत का कहना था कि आरसीईपी के अंदर जो ये पूरा ब्लॉक बना है इसमें जो डेयरी के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है उन पे इस तरीके से टैरिफ लगाए गए कि डब्ल्यूटीओ के अंदर भी ऐसे टैरिफ की प्रोविजंस नहीं थी। मतलब डब्ल्यूटीओ तक ने देशों को ऐसी सुरक्षा के प्रावधान दिए हुए थे कि अगर उनकी इंडस्ट्री ठप होने के कगार पे आए तो वो वहां पे अपने कुछ निश्चित सीमा तक अपनी इंडस्ट्रीज को बचा सकते हैं। जबकि आरसीईपी में क्या हुआ, देखो भारत के डेयरी क्षेत्र की मुख्य समस्या थी कि आरसीईपी में कृषि उत्पादों पर प्रशुल्कों की एक क्लोज थी, एक प्रावधान था जो डब्ल्यूटीओ के प्रावधान से भी अधिक घातक था, क्योंकि जहां डब्ल्यूटीओ भी देशों की एक निश्चित सीमा तक प्रशुल्कों को लगाने की अनुमति देता है, यानी कि अपने आप को बचाने की अनुमति देता है, वहीं आरसीईपी सदस्य देशों पर ये बाध्यता लगाते थे कि प्रशुल्कों को आने वाले 15 सालों में बिल्कुल जीरो कर देंगे। इवन डब्ल्यूटीओ ने यह बोला था अगर आपके क्षेत्रों को, घरेलू सेक्टर को कोई खतरा होता है तो आप टैरिफ लगा देना, टैक्स लगा देना सामने वाले के प्रोडक्ट पे। आरसीईपी तो ये कह रहा है कि 15 साल के अंदर आपको सारे टैरिफ जीरो करने होंगे। भारत ने बोला नहीं भाई, मैं तो नहीं करूंगा इस चीज को। डन, आइए बात समझ में, क्लियर हो रहा है या नहीं, फटाफट बताओ। हिना, शाहनवाज, सोनम, ओके, क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को। देखो अभी भी भारत क्या करता है, अभी भी भारत क्या करता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, उन पे भारत कितने परसेंट का, 63% का प्रशुल्क लगाता है। मतलब अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन रहा था तो भारत ने उस पर 63.8% का टैक्स लगाया, यानी कि इंडिया में आया वो 163 रुपए का लगभग। और इंडिया की जो एवरेज जो टैरिफ रेट है जो लगाता है वो अपने किसान भाइयों को बचाने के लिए, अपने डेयरी उद्योग को बचाने के लिए एवरेज जो इंडिया लगाता है वो 30.8% लगाता है, तब जाके हमारे प्रोडक्ट बच रहे हैं। और आरसीईपी क्या कह रहा है, आप जीरो कर दो। अरे जीरो करते ही तो भाई खत्म हो जाएंगे हमारे वाले। क्लियर हुआ ये, ऑलरेडी हम बहुत सारे टैरिफ लगा रहे हैं तब जाके अपने डेयरी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को बचा पा रहे हैं, और आरसीईपी तो क्या कह रहा है 15 सालों में सब जीरो कर दो। जीरो करते ही ये सारे सेक्टर जीरो हो जाएंगे इंडिया में। दूसरा, डेयरी उद्योग, देखो आज भारत के 7 करोड़ परिवार इसमें डेयरी सेक्टर में लगे हुए हैं। और भारत के डेयरी उद्योग की वर्तमान विशेषता क्या है कि इसके लघु उत्पादों का वर्चस्व है। भाई फूड के बहुत सारे जो आपके मिल्क के जो प्रोडक्ट्स है आपके, आपका खोया हुआ, आपका दही हुआ, आपका दूध हुआ, आपका छाछ हुआ, आपका पनीर हुआ, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मार्केट में इसका वर्चस्व है। और एक चीज देखो, वर्ष 2017 में भारत में और विश्व में ये देखा गया कि हर जो फार्म है, हर जो कृषि क्षेत्र है उस पे कितने बड़े पशुओं का साइज क्या है, मतलब कितने सारे पशु पाले जा रहे हैं। ये देखो विश्व स्तर पे औसत पशु झुंड आकार संयुक्त राज्य अमेरिका में 191 है, यानी कि एक फार्म हाउस पे 191 पशु है, गाय या भैंस है। ओशनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आसपास के छोटे छोटे पापुआ न्यूगिनी वो देश शामिल है, वहां 555, यूके के अंदर 148, डेनमार्क में 160, एक फार्म हाउस पे इतने पशु होते हैं। भारत में कितने होते हैं, एवरेज है 2 पशु, 2 पशु। हम तो छोटे हैं भाई, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है,
इसलिए हमारे पशु ज्यादा हो गए, लेकिन अगर एवरेज काउंट करोगे तो सिर्फ एक के हिस्से में दो आ रहे हैं भाई। अमेरिका में तो एक के 191, भारत में अगर एक फार्म हाउस में एक किसान के पास 200 गाय हो जाए भाई, वो करोड़पति है भाई 2-3 साल के अंदर। यहां तो दो दो पशुओं को लेके भैया वो अपनी गुजारा बसर कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ या नहीं बताओ, फटाफट बताओ। हालांकि फिर देखो, हालांकि वर्ष 1960 में जब व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में आई, भारत की विश्व की दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी जो 1970 में 5% थी, वो 2018 में 20% हो गई, और आज भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ना तो हम दूध का निर्यात करते और ना ही दूध का आयात करते, अभी हम बिल्कुल सही है। विश्व स्तर पे दुग्ध का व्यापार और आरसीईपी देख लो, ये देश कितने चालाक है और इनकी कितनी स्ट्रेंथ है ये देखो। यदि विश्व के कुल दुग्ध व्यापार को देखें तो कुल दुग्ध का जितना भी टोटल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का जितना भी एक्सपोर्ट होता है, उसमें डेवलप्ड कंट्री 79%, 80% इन्हीं का कब्जा है भाई। डेनमार्क का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, इन्हीं का ही कब्जा है पूरा का पूरा, जितना भी मिल्क प्रोडक्ट है उसमें। जैसे इसमें यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड तो छोटी सी पॉपुलेशन है, इतने बड़े बड़े इतने सारे पशु है, ऑलमोस्ट 93% एक्सपोर्ट कर देता है भाई वो। सिर्फ 7% का ही कंजप्शन है उनके देश में, बाकी 93% एक्सपोर्ट कर देते हैं वो। तो आप देखो, पूरा न्यूजीलैंड, पूरा ऑस्ट्रेलिया ही अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भेजना शुरू कर देंगे भाई। अपने किसान भाई तो गए, इनके सामने कैसे बचोगे आप बताओ। फिर देखो, वहीं दूसरी ओर विकासशील देश विश्व के दुग्ध आयात का देखो, ये 80% एक्सपोर्ट करते हैं और डेवलपिंग कंट्री 80% इंपोर्ट करती है। मतलब जो इन अमीर देशों से भेजा जा रहा है ना पूरा दूध और उसके उत्पाद, वो गरीब देश उसको आयात करते हैं। और यद्यपि भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन चीन भी क्या करता है, 30% अपने मिल्क प्रोडक्ट को इंपोर्ट ही कर रहा है। तो चीन को इससे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत है भारत को। हम ना भेज रहे ना मंगा रहे, हमारा काम चल रहा है आपस में। तो यदि देखा जाए तो विश्व के दुग्ध व्यापार में आरसीपी, वर्ल्ड का जितना आपकी मिल्क मार्केट है उसमें आरसीईपी देशों के अंदर ही 51% मिल्क का पूरा ट्रेड होता है। जिसमें आप मिल्क पाउडर का नाम सुनते होगा ना, नेस्ले के, एवरीडे के, मिल्क के पाउडर के डब्बे आते हैं, पाउच आते हैं, समझ गए। तो वो सारा ट्रेड स्किम्ड मिल्क पाउडर बोला जाता है उसको, पाउडर के विश्व व्यापार का 45%, जितना बटर ऑयल है उसका 35%, टोटल वर्ल्ड में जितना बटर, जो आप नेस्ले का बटर खाते हो ना ब्रेड पे लगा लगा के सुबह सुबह, वो सारा 31% आरसीईपी कंट्री में ही चलता है, वो सारा का सारा ट्रेड। और इनको अगर भारत का बाजार मिल गया, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, तो क्या होगा भारत की हालत, बहुत बुरी, बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों आरसीईपी को क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उनका पूरा मिल्क का जो प्रोडक्ट है उनको एक बाजार मिल जाएगा आरसीईपी देशों के अंदर। डन। और डेयरी उत्पाद और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी धीरे धीरे देखो देखो, जब इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन आई थी, ऑपरेशन फ्लड आया था, उसमें जो छोटे छोटे दुग्ध के कॉपरेटिव्स थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दुग्ध कॉपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका थी, आज कहाँ गए, खत्म। क्यों, एमएनसीज आ गई आपकी, कौन सी आ गई, नेस्ले आ गई, उसके बाद लैक्टलिस, डेनोन, एनिक इंडस्ट्रीज, ये बड़ी बड़ी दुग्ध के प्रोडक्ट आ गए। बाजार में जाके देखोगे ना सारे मिल्क के प्रोडक्ट पे
इंडिया का डोमेस्टिक बाजार नहीं है अमूल, अमूल का सिर्फ दूध पीता है इंडिया, बाकी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है भाई, आप बटर हुआ, चीज हुआ, जितने भी प्रोसेस्ड आइटम है, सारी की सारी वेस्टर्न कंपनी आके घुस गई इंडिया में, सब सब घुस गई। वो तो अभी उनके ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं हमने, तब वो महंगे हैं, आम आदमी नहीं खरीदता उनको। भाई ब्रेड के अंदर आप बटर स्लाइस नहीं लगा रहे ना, चीज स्लाइस नहीं लगा रहे, क्यों? आपको पता है 100 रुपए की 10 ही आ रही है, 100 रुपए की 8 स्लाइस आ रही है। वो सरकार ने टैक्स लगा के महंगी की हुई है। जिस दिन सरकार टैक्स हटा देगी, वो 20 रुपए में आपको 5 स्लाइस मिलेगी, खत्म, आपके किसान खत्म। यस, अमूल इंडिया का ही है, अमूल इंडिया का है, समझ गई ना? एमएनसीज घुस चुकी है, ये तो सरकार ने टैक्स लगा रखे, तब इनके प्रोडक्ट इतने महंगे, आम आदमी नहीं खरीदता। तो ये धीरे धीरे जितनी भी मल्टीनेशनल डेयरी फॉर्म्स है भारत में, अपने आधार को मजबूत बनाती जा रही है। और मैंने देख बताया आपको, एवरेज 35% का टैरिफ लगाता है इंडिया, यानी कि अगर वहां से कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट बन के चला तो इंडिया के बाजार में 135 में आएगा। ताकि इंडिया चाहता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, हम अपनी मार्केट को, हम अपने डेयरी उद्योग को बचा के रख सके। और आरसीईपी क्या कह रहा है, उसको जीरो कर दो 15 सालों के अंदर। जीरो करते ही तो हम तो गए भाई, किसान भाई गए। आप देखो इंडिया में जो स्किम्ड मिल्क पाउडर बनता है, वो 1 केजी का उसका एक जो कॉस्ट आती है 300 रुपये, जबकि न्यूजीलैंड में ही उसको 150 रुपये। और छोड़ दो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दो तो क्या होगा, भारत तो खत्म। 300 रुपये में कौन खरीदा भाई उनको? ये 150 वाले को खरीदेगे ना जो न्यूजीलैंड से आ रहा है, क्यों 2 गुना पैसा दोगे? वो तो सरकार ने टैक्स लगा के उसको उतना महंगा बनाए रखा है। अरे सर से ऊपर तो नहीं जा रही आप लोगों के, बाउंसर तो नहीं लग रहे ये, बता देना मुझे। देखो इतनी गहराई पे जाके नहीं पढ़ोगे ना चीजों को, मजा नहीं आएगा आपको। अब आपने इतना गहराई में जाके इसको पढ़ लिया है ना, अब आप आरसीपी सपने में भी कोई पूछेगा ना, आप बोल दोगे भाई नहीं, इस्पात को दिक्कत है, विनिर्माण को दिक्कत है, डेयरी वालों को दिक्कत है, कृषि वालों को दिक्कत है, भाई सबको दिक्कत है, नहीं करना अभी हमें। ओके अब देखो, अगर मैं बात करूं दूध पर लीटर, अमूल के द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, यदि न्यूजीलैंड से वो पाउडर वाला दूध आता है, उसकी अनुमति दी जाती है, तो डेयरी कृषकों को प्रति लीटर जो 30 रुपए की तुलना में 19 रुपए ही मिलेंगे। अगर ये बोल रहे हैं भाई आने दो न्यूजीलैंड को, आने दो ऑस्ट्रेलिया को, वो खरीद लेंगे भारत के किसानों से दूध, कोई बात नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं जो आज किसानों को 30 रुपए किलो मिल रहा है ना, अगर इन कंपनियां ये देश आ गए तो सिर्फ उन्हें कितना मिलेगा, 19 रुपए प्रति लीटर। तो ये भी झांसा मत दो कि न्यूजीलैंड वाले आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले आएंगे, वो किसानों से दूध खरीद लेंगे, वो मार्केट को चला लेंगे। तो बोल रहे हैं कि 30 रुपये अगर आज मिल रहा है तो उनको 19 रुपये प्रति लीटर मिलना शुरू हो जाएगा। डन। उसके बाद देखो, अब अगर ये पूछा जाए यार ये डेवलप्ड कंट्री इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्यों है, ये 19 रुपए लीटर में भी बेच के इतने अमीर है और हम 30 में बेच के भी गरीब है, कारण क्या है? सुन लो, अगर बात करें न्यूजीलैंड जैसे देशों में प्रति यूनिट दुग्ध उत्पादन की लागत क्यों कम है, क्यों कम है वहां पे, क्यों? एक तो बड़े बड़े फार्म हाउसेस है, खूब बड़े बड़े चरागाह है, जमीन की कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया खाते पीते है, चारे की लागत घट जाती है। यहां आप ज्वार बाजरा जो भी उसको खिलाते हो उसकी कॉस्ट ज्यादा है भाई, इतना महंगा वो आता है। और डेयरी उद्योग इन देशों के अंदर मशीनीकृत है, मशीन से सारा काम हो रहा है। और उसके साथ पर फार्म हमने देखा पशुओं की संख्या, वहां एवरेज 100 से ज्यादा है, इंडिया में 2 ही है भाई।
तो वहां प्रोडक्शन भी ज्यादा, चारा भी सस्ता, मैकेनाइजेशन भी हो गया, सरकार का सपोर्ट भी हो गया, इन सारी चीजों के चलते क्या उनका सस्ता हमारा महंगा। डन। अब ये देखो, फिर कुछ मुख्य दबाव बिंदु क्या बनाए जा रहे थे। ये आरसीईपी की कंट्री क्या कह रही थी भाई, इंडिया को क्यों शामिल हो। इंडिया ने बोला भाई ये सारी प्रॉब्लम है, मेरा स्टील इंडस्ट्री को दिक्कत है, विनिर्माण को दिक्कत है, डेयरी उद्योग को दिक्कत है। तब आरसीईपी के देश देखो भारत को कैसे बोल रहे हैं, कह रहे आपकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, अभी तक तो आप अपना आत्मनिर्भर हो, आने वाले दिनों में आने वाले सालों में दुग्ध की कमी हो जाएगी, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे हो जाएगी, बोल रहे आज आपका उत्पादन 292 मीट्रिक टन है भाई, जितना भी आज आपका उत्पादन है कल आपके 10 साल बाद पॉपुलेशन इतना ज्यादा होगी, दुग्ध की जरूरत होगी, फिर आप बोलोगे शामिल कर लो, इससे अच्छा है आज ही शामिल हो जाओ। लेकिन नीति आयोग ने यह बोला है कि अगर 2033 तक भी देखा जाए, 2033 आज से 13 साल की बाद की बात करें, तो 13 साल बाद भारत में दूध की डिमांड रहेगी 292 और हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा 330, यानी कि अभी भी लगभग 40 मिलियन मीट्रिक टन ज्यादा उत्पादन होगा। इसलिए उन देशों का ये तर्क खारिज करता है नीति आयोग। दूसरा दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर जो न्यूजीलैंड से निर्यात होने वाले दुग्ध के मात्रा में केवल 5% की वृद्धि होगी, ये कह रहे हैं जो वहां से आ रहा है न्यूजीलैंड से या जो भी इन कंट्री से आएगा ऑस्ट्रेलिया से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ 5% का फर्क पड़ेगा। तो अमूल ने एक स्टडी की और बताई कि उनका 5% है ना, वो पूरे इंडिया का जो बाजार है उसको भर देगा। उनका अगर 5% भी आता है ना, तो भी इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को खराब कर देगा वो डेयरी को, इसलिए हमें वो भी नहीं करना। फिर देखो, फिर इन्होंने बोला सेम जो इम्पैक्ट है दुग्ध के पाउडर पे, पनीर के बाजार पे, बटर ऑयल पे, सारी चीजों को कब्जा लेगी ये फॉरेन कंपनी। और सबसे बड़ी बात भाई, भारत में 7 करोड़ परिवार निर्भर है डेयरी पे, न्यूजीलैंड में तो सिर्फ 10,000 और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 6,300 परिवार है भाई। यहां 7 परिवार का साइज मान लो, एक परिवार को अगर मैं 5 से गुना करूं तो 35 करोड़ लोग डेयरी उद्योग पे डिपेंड है, और जबकि न्यूजीलैंड में तो क्या सिर्फ 10,000 परिवार और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 6,000 परिवार निर्भर है। तो ये मानना है कि अगर भारत आरसीईपी में आ जाता है तो डेयरी उद्योग का तबाह होना निश्चित है, डेयरी उद्योग बिल्कुल, यानी कि 7 करोड़ परिवार सीधा उससे प्रभावित होंगे, उनकी आजीविका पे सीधा हमला होगा। क्लियर हुआ है आपको? तो अगर भारत आरसीईपी में शामिल होता है तो उसकी सोशल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सोशल कॉस्ट क्यों, गरीबी आ जाएगी भाई, बेरोजगारी आ जाएगी, अभी इतने सारे 7 करोड़ परिवार लगे हुए, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ खपाओगे इनको। और आर्थिक रूप से तो आपके उस बाजार को तोड़ ही देंगे बिल्कुल। क्लियर हुआ या नहीं स्टूडेंट्स, बताइए आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं। देखो डरो मत, क्लास कितनी लंबी होगी ये समझो, ये मुद्दा आज यही इसको ताबूत में दफन करके कीले ठोक देंगे आरसीईपी को, खत्म। क्लास की लेंथ पे मत जाओ, मैं मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है, 5 दिन बाद वैसे ही पढ़ने के लिए आए हो। फिर देखो, भारत का राष्ट्रीय हित क्या है, देखो भारत का राष्ट्रीय हित क्या है, हमारा तो लंबे टाइम से यही एक मानना था जब से आजाद हुए कि हमें अपनी आर्थिक समृद्धि की दर को सतत बनाए रखना है और बढ़ाना है। उससे दो 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 कारण थे, क्योंकि
क्यों हम जीडीपी ग्रोथ को बनाए रखना चाहते थे? एक तो हमारा मानना था, यह सरकारों का मानना है कि इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे और युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। और दूसरा, आने वाला जो 21वीं शताब्दी है, ना तो अमेरिका का वर्चस्व रहेगा पहले की तरह, ना रूस का, ना चीन का। बहुत सारे कंट्रीज उभर के आएंगे, बहुध्रुवीय विश्व होगा। तो उस बहुध्रुवीय विश्व में भारत भी एक ध्रुव के रूप में उभर कर आएगा। वो कब संभव है? केवल आर्थिक समृद्धि के आधार पे। और अगर हमारे ऐसे समझौते, ऐसे ब्लॉक के अंदर अगर हम शामिल हो जाते हैं जिसमें हमारी आर्थिक समृद्धि प्रभावित होने लगे, तो अपने रोजगार कैसा पैदा करेंगे, अपने आप को एक शक्ति के रूप में कैसे स्थापित करेंगे? देखो, आरसीईपी में शामिल ना होने का भारत को ये नुकसान जरूर है कि आपका महंगे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी है, ओके। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए भी तो काम करना शुरू कर दिया। अरे भाई, जब मोदी जी बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, आओ मेक इन इंडिया, आओ विदेशी लोगों, आओ भारत के अंदर ही आओ और प्रोडक्शन करो, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आओ, यहां के लोगों को भी रोजगार दो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विजन के साथ वर्ष 2014 में पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में क्या बोला था? विश्व समुदाय से अलग थलग रहकर अपने भविष्य को मैं सुनिश्चित नहीं कर सकते। हम आज विश्व अर्थव्यवस्था बदल चुकी है, हमें भी उसी के हिसाब से काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन जो खतरा बिल्कुल सामने नजर आ रहा है उसको कैसे नजरअंदाज कर दे, ओके। तो भारत ने मेक इन इंडिया को अपनाया। भाई, मेक इन इंडिया को हमने अपनाया है ना, बोला आओ विदेशी कंपनियों, भारत में ही आओ और भारत को एक वैश्विक हब बना दो, अपना पैसा लेके आओ, अपना इन्वेस्टमेंट लेके आओ। और भारत को इस ग्लोबल हब बनाने में आरसीईपी महत्वपूर्ण था, इससे नकारा नहीं जा सकता। आरसीईपी भारत को एक ग्लोबल हब बना सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ये तीन मेजर प्रॉब्लम थी। एक तो वो तीन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ, और तीन प्रॉब्लम और है कि भारत के किसान और लघु व्यापारी है उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरा, जो हमारा सर्विस सेक्टर है और जो वर्किंग वीजा है, भाई वीजा का मतलब हमारे देश के लोग बाहर जाके काम करेंगे, स्किल्ड होंगे, उस पे भी कुछ बहुत सारी भारत की मांग थी, उस पे सहमति नहीं बनाई आरसीईपी कंट्री ने। उसके साथ ही आरसीईपी में जितने 15 देश है भारत के अलावा, उनमें से 11 के साथ भारत का व्यापार का घाटा है। ये बात हम मानते हैं कि आरसीईपी में शामिल नहीं होने से हमें नुकसान है, लेकिन अगर शामिल हो जाते हैं तो जितना हमारे पास है वो भी चला जाएगा। भाई, हम कॉम्पिटिटिव है ही नहीं। आप ककड़ी सिंह को एक पहलवान से क्यों लड़ा रहे हो, समझ गए हो ना? एक मिस्टर ककड़ी सिंह है, ककड़ी सिंह हमारे यहाँ गांव देहात में बोलते हैं, जो पतला दुबला सा है। आप बोल रहे हो शामिल हो जाके, भाई तगड़े लोगों में बैठ भाई वहां जाके। नहीं भाई, नहीं हो सकता वो। इंडिया को घाटा है, इंडिया को आरसीईपी में शामिल ना होने से घाटा है, लेकिन शामिल होने से भी बहुत ज्यादा घाटा है। रास्ता क्या निकलेगा इस एथिकल प्रॉब्लम का, ये नैतिक दुविधा बनी, इसका समाधान क्या होगा? फिर देखो, अब देखो क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है? देखो, मेन जो प्रॉब्लम जो इंडिया को जो होने वाली है, हमने बोला कि हम जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, अगर भारत आरसीईपी में शामिल नहीं होता तो जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, भारत इससे नहीं जुड़ पाएगा। क्या है ये? वैश्विक मूल्य श्रृंखला। वैश्विक मूल्य श्रृंखला क्या है ये? क्या नुकसान होगा इससे? देखो, ये क्या है? देखो, आज ऐसा हो गया, आपका एप्पल की कंपनी, एप्पल जो फोन है, कंपनी किसकी है? वो यूएसए की। लेकिन उसके प्रोडक्ट कहां बन रहे? कुछ सारे चाइना में, कुछ कहां बन रहे? वियतनाम में बन रहे हैं ना। आज फ्रांस के अंदर एक बाइक बन रही है, लेकिन उसके उसके जो पार्ट्स कहां से आ रहे हैं? बन फ्रांस में रही है, असेंबल फ्रांस में हो रही है, लेकिन आ कहां से रहे हैं? जर्मनी से।
इटली से, स्पेन से। तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन है कि अगर फ्रांस ऐसा नहीं है, अगर फ्रांस के पास इस मोटरसाइकिल को बनाने के सारे इक्विपमेंट नहीं है तो ये नहीं बनाएगा। आज दुनिया ऐसी है, फ्रांस बोलता है मैं असेंबल कर दूंगा, जर्मनी से मैं स्टील मंगा लेता हूँ, स्टील इटली से मैं उसका लेदर के प्रोडक्ट मंगा लेता हूँ, स्पेन से मैं ये मंगा लेता हूँ, सबको असेंबल करूंगा, फ्रांस में बनाऊंगा और बेच दूंगा। तो अगर इंडिया आरसीईपी में शामिल नहीं होता तो दुनिया के अलग अलग देशों की जो एक वैल्यू चेन है, इन 15 देशों के अंदर जो एक वैल्यू चेन है बहुत सारे सेक्टर्स की, वो सेक्टर्स कौन से? आपका प्राइमरी सेक्टर भी है, आपका सेकेंडरी सेक्टर भी है और आपका टर्शियरी भी है, आपके उद्योग भी है, आपके कृषि भी है और आपका सेवा क्षेत्र भी है। तो अगर आज इंडिया आरसीईपी में शामिल नहीं होता तो इसका नुकसान ये तो पक्का पड़ेगा कि ग्लोबल जो वैल्यू चेन है इंडिया उससे बाहर हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में करे क्या? लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन ये है, सरकार अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक टाइम पीरियड ले ले, 5 साल 10 साल का, भारत सरकार अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल्ड करे, ज्यादा से ज्यादा R&D करे टेक्नोलॉजी में ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट घट के आए, ज्यादा से ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे। भाई आज जो चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वो कॉम्पिटिटिव क्यों है? उनके पास अच्छी अवसंरचना है, उनके पास अच्छी टेक्निक है, उनके पास अच्छा स्किल है। तो भारत को पहले अपने आप को स्किल करना होगा, तभी तो स्किल इंडिया मिशन। भारत को अपना अवसंरचना मजबूत करनी पड़ेगी, तभी तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। समझो इस चीज को, ऐसा नहीं है कि सरकार को ये चीजें नजर नहीं आ रही। सरकार चाहता है कि एक बार मैं अपने आप को तैयार तो कर लूं, अरे खा पी के मजबूत तो बन जाऊं, तभी तो जाके तकड़े से जाके लड़ूंगा। अभी कमजोर को लड़ा दोगे तो मेरे हड्डियां तोड़ देगा सामने वाला। समझ में आया ये आपको? नहीं, ऐसा नहीं है सरकार नहीं कर रही कुछ, सरकार कर रही है। स्किल इंडिया मिशन है आपका, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, अटल इनोवेशन मिशन जो चल रहा है वो क्यों चल रही है? वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आ रही है, क्यों आ रही है? वो इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आ रही है। देखो जब तक इतने लेवल पे जाके नहीं सोचोगे ना, चीजें समझ में नहीं आएगी। स्टूडेंट्स समझो इस चीज को, इतने इतने बड़े लेवल पे जाके चीजें सोचना जरूरी होगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो यही था कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। फिर कुछ यही है कि WTO में भी सेफगार्ड ड्यूटीज है, इंडिया डिमांड कर सकता है कि हम RCEP में भी सेफगार्ड ड्यूटीज लेके आए, वो सारी चीजें, फिर वही सारी चीजें जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। ये पूरा आपको PDF मिलेगा, पूरी जो इसकी कहानी है मैंने आपको बहुत ही ज्यादा तसल्ली से समझाई है, ठीक है। फिर यहां वर्ल्ड बैंक को मैं कोट कर देता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि अगर इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ता है तो उससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और अच्छा रोजगार भी क्रिएट होगा। इंडिया जुड़ना चाहता है ऐसा नहीं है, लेकिन जुड़ेगा तो तभी। जुड़ने का मतलब ये थोड़े ना जाके कूद गया दंगल में कि दंगल लड़ लो। अरे भाई वो पहलवान है, मैं उस लेवल पे तैयार ही नहीं हूं। मुझे पता है दंगल लड़ना चाहिए, सही है वो, लेकिन उस दंगल को लड़ने के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं या नहीं? भाई UPSC बहुत अच्छी जॉब है, IAS बहुत अच्छा है, IPS बनना बहुत अच्छी बात है। अरे ठीक है भाई, तैयार तो हो जाऊं इस एग्जाम के लिए पहले, या दिन रात यही कहता रहूं IAS बनना जरूरी है, IAS बनना जरूरी है? डन। तो ये यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ने के फायदे बताए गए। अगर भारत जुड़ जाता है इससे तो आर्थिक समृद्धि होती, रोजगार पैदा होता, गरीबी कम होती, भाई सब कुछ हो जाती। एक तरीके से गरीबी कम हो जाएगी, लेकिन दूसरे तरीके की गरीबी बढ़ भी जाएगी। डन।
तो इसलिए भारत अगर आरसीईपी में शामिल नहीं होता तो कुछ विश्लेषकों का कहना है कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन से नहीं जुड़ पाएंगे, हमारे यहाँ उच्च गुणवत्ता और आय रोजगार का सृजन नहीं होगा, हम इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे और वैश्विक शक्ति बनने के हमारे अवसर समाप्त हो जाएंगे। ये इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ओके, तो भारत को क्या करना चाहिए? फिर यही सोल्यूशन है, अपने घरेलू सुधार करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, अरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाए, एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस है उनको ज्यादा से ज्यादा करें ताकि कॉम्पिटेटिव बने। एक एक प्रोजेक्ट अभी देखा ना, गेल वाला प्रोजेक्ट था कोची से मंगलोर, 2014 में कंप्लीट होना था, 2020 में जाके कंप्लीट हो रहा है। आप कहाँ कॉम्पिटेटिव बनोगे? तो भैया इंडस्ट्री खाली थोड़ी ना बैठ जाएगी, उनको तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उनको तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, वो तो पूरी करनी पड़ेगी। तो आपको आंतरिक सुधार लाने होंगे, ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ, ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जुड़ना होगा, अपने आप को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना होगा। तो सरकार कोशिश करे एक फ्रेमवर्क के अंदर जल्द से जल्द अपने आप को बहुत सारे सेगमेंट में मजबूत करे ताकि जल्द से जल्द हम ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ सके और अपने सामने नए अवसर और नई जो उम्मीदें, नए आशाएं, नए रोजगार उनको क्रिएट कर सके। ये है पूरा का पूरा आरसीईपी को लेके हमारा एनालिसिस। ओके, उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से समझ में आया होगा। 40 मिनट तो जरूर लगी, लेकिन आपके बहुत सारे डायमेंशंस इससे जरूर ओपन हुए होंगे। ओके, डन। अब आया डेली करंट अफेयर्स, करते हैं अब डेली करंट अफेयर्स। पिछले दिनों की सारी खबरें मैंने एमसीक्यू के थ्रू कवर की है आपके सामने। ओके, ये देखो पहला क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस संहिता में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स दोनों को शामिल किया गया। दूसरा, इसके अंदर मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को शामिल किया गया है। बताओ ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या है? ए बी सी या डी, सही उत्तर बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखो पहला भी कथन सही है और दूसरा भी। मैंने आपको पहले ही बताया, जब कोड की बात करते हैं ना, जब भी कोड आता है, कोड के अंदर बहुत सारे लॉज होते हैं, लॉज होते हैं बहुत से। तो जो ये सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसमें भी लगभग 8 के करीब कानूनों को शामिल करके एक कोड बनाया गया। जो गिग वर्कर्स होते हैं ना, फ्रीलांसर्स होते हैं, फ्रीलांसर जानते हो ना, ओला उबेर जोमेटो, आज काम कर रहे हैं कल नहीं कर रहे, मर्जी है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आधारित जो सर्विसेज के हिस्से हैं, इन दोनों को ही शामिल किया गया। अमेजोन पे काम, फ्लिपकार्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सारे लोग, तो इन दोनों को शामिल किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये है कि सरकार सोशल सिक्योरिटी देना चाहती है, हेल्थ की सिक्योरिटी देना चाहती है उनको। ओके, उनको एजुकेशनल सिक्योरिटी देना चाहती है। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता है, उसके बारे में पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है कि इसमें मातृत्व लाभ अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को शामिल किया जाएगा। क्यों बनाया गया? देखिए, ये पीआईबी की खबर थी 15 नवंबर की, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने मसौदा अधिनियम को अधिसूचित किया, इसलिए क्वेश्चन बना। नेक्स्ट देखो, ब्रिक्स के बारे में है, ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में येकतरीनबर्ग में हुआ। ब्रिक्स विश्व की कुल जीडीपी का 75% का प्रतिनिधित्व करती है। बताइए ए बी सी या डी क्या सही होगा? क्या सही होगा? पढ़ लो बच्चों, ज्यादा एक दूसरे में कमेंट पे यकीन ध्यान मत दो। ओके, पढ़ाई को टारगेट करो।
और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मतलब पहला कथन सही है दूसरा गलत है। पहला तो मैंने बताया था 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में ही हुआ था, आज ही पढ़ाया था मैंने। और 75% कैसे हो सकता है भाई, देखो ना ब्रिक्स में चार कंट्री पांच कंट्री है, क्या दुनिया की 75% जीडीपी को रिप्रेजेंट कर देगी? इलॉजिकली, लॉजिकली भी सही नहीं है। ओके, मैंने बताया था लगभग 30 से 40% के बीच में थी इसकी वो, डन। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन क्यों बना, वही आठवां ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का सम्मेलन हुआ और ब्रिक्स की 12वीं शिखर सम्मेलन भी था, 12वां शिखर सम्मेलन, दोनों के चलते मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीईपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो आरसीईपी अभी पढ़ा हमने, हाल ही में चीन ने और 14 अन्य देशों ने आरसीईपी के समझौते पर हस्ताक्षर किए। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत ने बोला है कि मैं भी इस समझौते में शामिल होऊंगा, उसने सहमति दे दी है। बताइए ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या है? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने अगर गलत किया आरसीईपी वाला, बहुत पिटाई होने वाली है आपकी। शालिनी सिंह ने दिया है डी जवाब, वाह लाजवाब, एक ही बच्चे का गलत जवाब आया है शालिनी का, बाकी सबके ए आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन इज ए भाई, चाइना और 14 अदर कंट्रीज है, बिल्कुल है 15 है ना, 10 आशियान है और पांच अलग थी, अगर इंडिया भी शामिल हो जाता तो 16 हो जाती। भारत ने सहमति नहीं दी, भारत ने बोला मैं तो शामिल ही नहीं होऊंगा इसमें। ओके, ये देखो 15 आशियान नेशंस ने साइन किया है, समझौता किया है, हस्ताक्षर किए हैं चाइना द्वारा समर्थित आरसीईपी डील को, और भारत अपने आप को, भारत ने पिछले साल ही से बाहर निकाल लिया था, हालांकि इन देशों ने बोला है कि भारत के लिए दरवाजा खुला है, जब चाहे शामिल हो सकता है, भारत ने बोला दरवाजा बंद कर लो, मुझे अभी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही क्यू आर एस ए एम का संबंध निम्नलिखित किससे है? कोविड-19 वैक्सीन जिसका विकास आईसीएमआर द्वारा किया जा रहा है, सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल, रूस और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है एक अंतरिक्ष स्टेशन, और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही उत्तर होगा? क्या सही उत्तर है? क्यू आर एस ए एम, सुमित कुमार पांडे पूछ रहा है ये क्लास किस टाइम होती है? ये 5:15 का टाइम है, मंडे टू सैटरडे, संडे छुट्टी होती है लेकिन संडे वाली न्यूज मंडे के दिन कवर होती है। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। देखते हैं क्यों क्वेश्चन बनाया, ये देखो सरफेस टू क्विक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्यू क्विक से क्यू आया, रिएक्शन से आर, सरफेस से एस, एयर से ए और मिसाइल से एम, तो ये बन गई क्यू आर एस ए एम। इसरो ने इसका परीक्षण किया है, सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है ये, डन। अगला क्वेश्चन देखो, क्यू वन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मिशन नासा के क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अपनी लागत के संदर्भ में अंतरिक्ष तक पहुंच को आसान बनाना है। सेकंड, ये अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन करेगा। बताइए क्रू वन है क्या? आप अपनी पढ़ाई को फोकस करो स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करना, आप अपना टारगेट बनाओ, 1 साल में 2 साल में जिसका जो टारगेट है, या 3 साल में बन के निकलना है, बाकी सब यही रह जाएंगे। ओके, जो सीरियस नहीं होगा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन क्लासेस में घूमता रहेगा, जो सीरियस होगा निकल जाएगा। इसलिए आप ये देखो कि आप सीरियस हो या नहीं, एक दूसरे के साथ उल्टे सीधे आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये देखो ये हुआ सही उत्तर,
ये नासा का ही एक क्रू प्रोग्राम है। बेसिकली इसमें क्या करना चाह रहा है, जो अंतरिक्ष में जो मिशन भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष के जो मिशंस हैं उसको बहुत ज्यादा लागत प्रभावी बनाना चाहता है। तो इसलिए ये क्रू 1 मिशन है, ये अंतरिक्ष में पहुंच को आसान बनाने के लिए, और ये माइक्रो ग्रेविटी का अध्ययन करेगा। दोनों ही सही है। ये देखो, ये खबर थी व्हाट इज स्पेस एक्स और नासा का अपकमिंग क्रू 1 मिशन। हमने बता दिया माइक्रो ग्रेविटी को स्टडी करेगा और अंतरिक्ष में पहुंच को, अंतरिक्ष में लाने और ले जाने की लागत को कम करना। अभी बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, उसको कम करने के लिए स्पेस एक्स कंपनी है उसके बीच में और नासा के बीच में ये एक कोलेबरेशन है, एक प्रोग्राम है डन। इसलिए ये स्पेस, ये इसलिए क्रू 1 मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखो, पीएम कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है और वर्ष 2019 से चल रही है। इसके 3 कंपोनेंट है और यह किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी। बताइए पीएम कुसुम क्या इसका सही उत्तर है? पीएम कुसुम बताइए। क्या सही उत्तर होगा इसका? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये सही है और फर्स्ट रॉन्ग है, क्योंकि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नहीं, ये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक स्कीम है, 2009 में लॉन्च की गई थी। 3 कंपोनेंट है इसके, घटक ए, घटक बी और घटक सी। और अगर ये स्कीम का जो टारगेट है, अगर ये स्कीम अच्छे से एग्जीक्यूट होती है, इम्प्लीमेंट होती है, किसानों की आय दुगना होगी। मैं बता देता हूँ फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री उसके बाद है किसान ऊर्जा, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये है ये पूरी स्कीम पीएम कुसुम। दरअसल क्या होगा, जो किसानों के खेत है सोलर पंप, जैसे अभी आप वहां पे ट्यूबवेल पे जो मोटर लगाते हो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। सरकार क्या चाह रही है कि 3 कंपोनेंट होंगे इसमें, या तो एक ऐसे सोलर पैनल लगा देंगे, ये खेत में सोलर पैनल लगा दिया, इसी से ऊर्जा उत्पन्न हुई और इसी से ही पंप चल गया, सोलर पंप हो गया काम। दूसरा, ऐसी खाली पड़ी, अगर बड़ी जमीनें हैं किसानों के पास तो बहुत सारे सोलर पैनल लगा दिए, उनसे ऊर्जा का उत्पादन किया और जो उत्पादन जितना यूज करनी थी कर ली, बाकी को सरकार के जो ग्रिड के साथ, स्मार्ट ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देंगे, ऊर्जा को वो बेच सकते हैं। तो इस तरह का प्रोविजन है इसकी पीएम कुसुम योजना के अंदर। 3 कंपोनेंट है ए, बी और सी। तो क्या होगा, आप ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएंगे, किसान अपनी जरूरतों के लिए कृषि में जो ऊर्जा की जरूरत है उसका, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने जनरेट की उसको सरकार को बेच देंगे। ये है पूरी कुसुम योजना और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ये पहल है। डन, ये देखो, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो पीएम कुसुम योजना का स्कोप को और विस्तारित कर दिया, ठीक है, तो ये उसी से जुड़ी हुई है पीएम कुसुम। बता दिया मैंने आपको ये पूरी पीएम कुसुम क्या है, देख सकते हैं, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो 19 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। कुछ टारगेट्स है देखो, किसानों को वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा देना, जल सुरक्षा देना। 2022 तक इस योजना के द्वारा ही 25,750 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना डन। और ये आपके जो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी होगी, जो किसानों के द्वारा वो खुद से ही 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक के पावर प्लांट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने फार्म्स पे। ओके, और इससे क्या होगा भाई, CO2 का एमिशन घटेगा। अभी तो जो बिजली उत्पादित हो रही है इंडिया में, 60% से ज्यादा किससे हो रही है, कोल से।
CO2 एमिशन घटेगा, किसान आत्मनिर्भर बनेगा, वित्तीय और जल सुरक्षा मिलेगी उसको, ये सारे इसके बेनिफिट्स होंगे। आप देख सकते हो ये लगा रखा सोलर पैनल खेत के अंदर ही, और इसी से ही जो ऊर्जा उत्पादित हुई, ट्यूबवेल चली तो पानी का इस्तेमाल, उसका जो सोलर पंप है वो चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश में वैश्विक परंपरागत मेडिसिन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? भारत, भूटान, केन्या और नेपाल, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। इंडिया में WHO ने बोला वो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को एस्टेब्लिश करेगा। ये देखिए WHO ने कहा है कि वह ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाएगा भारत में, ओके। और WHO प्रधानमंत्री का मानना है कि इंडिया आने वाले समय में दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, दवाइयों की एक एक नई फार्मेसी के रूप में उभर सकता है, ये बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र के एक जनजातीय नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में सुधार के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरा, बिरसा मुंडा ने मुंडा और ओराव जनजाति के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन की शुरुआत की, बताइए ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? बिरसा मुंडा, सोच समझ के जवाब देना आप स्टूडेंट्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये लो, ये दूसरा सही है और पहला सही है। देखो पहले उसमें आप कहाँ ट्रैप हो गए, सुन लो, समझ लो कहाँ गलती कर गए आप। ये बिल्कुल ठीक है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के वो एक क्या थे, जनजातीय नेता थे, लेकिन यहां लिखा है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अरे ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से उनको क्या लेना देना था, ये बताओ क्या लेना देना था इनकी संसदीय व्यवस्था से। वो तो ब्रिटिश जो भूमि अधिग्रहण की नीति थी ब्रिटिश सरकार की, भूमि अधिग्रहण की नीति, उससे वो नाखुश थे, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, भूमि अधिग्रहण की नीति के खिलाफ। समझे? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में उनको कोई चेंज नहीं करना था, उन्हें तो ब्रिटिश सरकार की जो भूमि अधिग्रहण की नीति थी, जिस तरह से वो जनजातीय लोगों की भूमि को हड़पना चाह रही थी ब्रिटिश सरकार, उससे उनको प्रॉब्लम थी। इसके लिए उन्होंने मुंडा और ओराव जनजाति के लोगों को इकट्ठा किया। और जो उल गुलान का मतलब क्या था, जो भूमि अधिग्रहण या लैंड सेटलमेंट के खिलाफ, जो अंग्रेजों की जो नीति जिस तरह की चल रही थी उसके खिलाफ विद्रोह करना, आंदोलन करना, ये उनका टारगेट था, इसलिए उल गुलान आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट देखो, ये क्यों बनाया गया 15 नवंबर, क्योंकि बिरसा मुंडा की जयंती है, उसी के दिन झारखंड का गठन हुआ था, इसके लिए बिरसा मुंडा के ऊपर क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस आयोग की स्थापना 2005 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में की गई, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल। और आयोग का जो कमिश्नर होता है और इसके अन्य सदस्य होते हैं पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, बताओ ए बी सी या डी, क्या सही है? क्या सही है बताओ, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में? क्या हो गया, आप लोग इतने गलत जवाब क्यों दे रहे हो? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये लो,
देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है। आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005, उसके उसके ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया था, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड बिल्कुल सही है, जो इसके कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अन्य मेंबर होते हैं, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते। 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले होगा उसका इतना कार्यकाल होगा, ये इसके लिए नियम बना हुआ है। डन, क्यों बनाए क्वेश्चन? पीआईबी की खबर है 15 नवंबर की, कि जो नए नियुक्त सीआईसी बने हैं, भारत के नए सीआईसी है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये नाम याद रख लेना, यशवर्धन कुमार सिन्हा को नया सीआईसी बनाया गया। ओके, उनके चलते मैंने इस क्वेश्चन को पूछा। ये आपके केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री है, उनसे मिल रहे हैं ये, जितेंद्र सिंह से, तो जिसके चलते मैंने ये क्वेश्चन बनाया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि पर इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस? बताइए, एथिक्स में सीधा जाएगा आपका, ये एथिक्स में सीधा यूज होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16 नवंबर। याद रखना इस दिन को, याद रखना। क्यों बनाया गया क्वेश्चन? देखो, यूनाइटेड नेशंस की खबर है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस हर साल संयुक्त राष्ट्र मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ओके, ये देखो किस लिए मनाया गया, ये ध्यान रखना, ए डे विद गांधी। 1994 से यूनेस्को ने मनाना शुरू किया इसको, क्योंकि 1994 में गांधी जी की 125वीं जयंती थी, 125वीं जयंती थी, इसलिए इसलिए मनाया। हालांकि गांधी जयंती के दिन को नहीं चुना, लेकिन गांधी जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 1994। उस दिन यूएन ने बोला कि हर साल हम 1994 से हम मनाना शुरू करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, यूएन ने बोला। क्यों? क्योंकि हम महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा और समानता के वैल्यू के प्रति इन्होंने अपना सम्मान व्यक्त किया। गांधी जी की शांति, अहिंसा और समानता की नीति के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यूएन ने मनाना शुरू किया 16 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। अब सुनो, सुनो, अब हमारा एथिक्स जीएस पेपर 4 है, जीएस पेपर 4 एथिक्स है, उसमें हमारा टॉलरेंस एक पब्लिक सर्विस वैल्यू है। देखो, यूएन ने खुद बताया है कि अगर किसी भी समाज में, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी दुनिया के अंदर अगर असहिष्णुता बढ़ रही है, तो उस असहिष्णुता को कम कैसे करोगे? 5 तरीके बताए, नोट कर लेना, एथिक्स की कॉपी में जाके लॉज बनाने पड़ेंगे। शिक्षा के जरिए सूचना तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना होगा, व्यक्तिगत स्तर पे जागरूकता पैदा करनी होगी, और स्थानीय स्तर पे आपको समाधान करने होंगे। सीधा मेंस में क्वेश्चन आएगा ये, कि किसी भी असहिष्णुता किसी भी लोकतांत्रिक या प्रगतिशील समाज का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। किसी समाज में अगर कोई असहिष्णुता से पीड़ित समाज के अंदर, आप असहिष्णुता को कैसे समाप्त करोगे और सहिष्णुता को कैसे बनाए रखोगे? उदाहरण सहित बताइए। 10 नंबर में यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछेगा, सीधा 10 नंबर में। हमें कुछ नहीं करना, यूएन ने हमें बता दिया कि असहिष्णुता को कम करने के लिए और सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए क्या तरीके। पहला, सरकार कानून बनाए, सख्त से सख्त कानून बनाए जिसमें मानव अधिकारों का संरक्षण किया जाए, जो घृणा के अपराध है उनको रोका जाए। दूसरा, लोगों को एडुकेट करो, जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे ज्यादा टॉलरेंट होंगे। सूचना तक पहुंच बनाओ, अभी क्या हो रहा है देखो, लोगों की सूचनाओं तक पहुंच नहीं है, प्रेस के ऊपर तरह तरह के दबाव है, तो उससे क्या है, इंफॉर्मेशन और प्रेस फ्रीडम। तो ये देखो क्या लिखा है,
मोस्ट एफिशियंट वे टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ हेट मूंगर्स इज टू प्रमोट फ्रीडम ऑफ प्रेस प्रेस प्लुरलिज्म इन ऑर्डर टू अलाउ द पब्लिक टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन। ये देखो प्रेस की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जागरूक करे, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाए। तो प्रेस जितनी ज्यादा स्वतंत्र होगी उतना ज्यादा लोगों के पास अच्छी जानकारी जाएगी और उनको समझ में आ जाएगा कि क्या फैक्ट है और क्या ओपिनियन है। व्यक्तिगत स्तर पे लोगों का जागरूकता बढ़ाओ। उसके साथ ही देखो लोकल सॉल्यूशन, स्थानीय स्तर पे सॉल्यूशन करना है। उसने बोला कि अगर कभी इनटॉलरेंस की घटनाएं आसपास हो जाए तो आप सरकार का या पुलिस का वेट मत करो। देखो कितनी बड़ी बात बोली है, ये केस स्टडी में भी आ सकती है स्टूडेंट। साफ बोला है यूएन ने, अगर स्थानीय स्तर पे असहिष्णुता की कोई घटना हो जाती है तो आप वेट मत करो कि सरकार आएगी या कोई संगठन उस स्थिति को संभालने के लिए आएगा, आपको खुद सॉल्यूशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये बात बोली है, बहुत ही उम्दा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसलिए मैं कहता हूं जितना पढ़ोगे, मैंने भी पहली बार ही पढ़ा ये, मैंने भी पहली बार पढ़ा कि यूएन का ये डॉक्यूमेंट मैं कल पढ़ रहा था, मुझे अचानक से ही मिल गया। मुझे लगा ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको लिखवा दूं, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में किया गया? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बिहार, बताइए। किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस बना? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में एक पाली डिस्ट्रिक्ट है, पाली, वहां पे इसका इनॉग्रेशन किया। देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ पीस 151वीं जन्म शती पे जैन आचार्य विजय वल्लभ की, देख सकते हैं ये पाली राजस्थान यहां पे है ये। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा प्योर्टो रिको द्वीप कहां अवस्थित है? ये देखो प्योर्टो रिको द्वीप कहां अवस्थित है बताइए, भूमध्य सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर। कहां पे है प्योर्टो रिको आइलैंड? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैरेबियन सी। ये देखो कैरेबियन सी, पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूं, ये कैरेबियन द्वीप समूह है। मैंने आपको मैपिंग कराई थी, जो सेंट्रल अमेरिका के जो देश है ये निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, होंडुरास और इधर है ये कैरेबियन सी। यहां पे आप देख सकते हो, ये देखो ये है प्योर्टो रिको, ये है प्योर्टो रिको, एक द्वीप है कैरेबियन सी में। चर्चा में क्यों आया ये बोल रहा है, अमेरिका में अभी 50 राज्य है, प्योर्टो रिको का मानना है कि मुझे भी स्टेट का दर्जा दिया जाए, स्टेटहुड दिया जाए, राज्य का दर्जा मांग रहा है ये, राज्य का दर्जा। अभी अमेरिका के अधीन ये, ठीक है इसको अमेरिका के अधीन है लेकिन इसको राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये बोल रहा है मेरी पॉपुलेशन अमेरिका के बहुत सारे राज्य, लगभग 30 लाख पॉपुलेशन है इसकी, 30 लाख कह रहा, 30 लाख से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, हमारा हमारे चुनाव में हमारी भूमिका है, तो हमें भी क्यों आप एक राज्य का दर्जा नहीं दे रहे। तो अगर प्योर्टो रिको आ जाए तो बता देना यूएस के अधीन पड़ता है, कैरेबियन सी में है।
वॉशिंगटन डीसी की भी डिमांड है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्योर्टो रिको और वॉशिंगटन डीसी दोनों की डिमांड है। ये देखो, व्हाई अमेरिका डिसएग्री ओवर द ग्रांटिंग स्टेटहुड टू प्योर्टो रिको एंड वॉशिंगटन डीसी, क्यों नहीं देना चाहता दर्जा, ये सारी मुद्दे हैं। तो प्योर्टो रिको और वॉशिंगटन डीसी, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही सुर सरोवर झील, जिसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, किस राज्य में अवस्थित है? बताएं, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सुर सरोवर झील, सुर सरोवर झील कौन से राज्य में है? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में है। देखो क्यों बनाया गया है क्वेश्चन, ये देखो, महाराष्ट्र की लोनार लेक को और उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर झील को रामसर कन्वेंशन के अंदर रामसर साइट का दर्जा दिया गया, तो कुल मिला के भारत में कितने रामसर साइट हो गए? देखो पहले 27 थे, फिर 10 को और दर्जा दिया, फिर 2 को दर्जा दिया, अभी 2 को और दे दिया, तो ये कुल मिला के 41 रामसर साइट हो गई इंडिया में। अब 41 रामसर साइट्स है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारी सुर सरोवर है यूपी में, और लोनार है हमारी महाराष्ट्र के अंदर। याद रखना, लोनार झील का कलर पिंक हो गया था, साइनोबैक्टीरियम की वजह से इसका कलर पिंक हो गया था, पिछले साल चर्चा में आ गई थी ये। डन। तो रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के जरिए जैव विविधता को संरक्षित करने की कोशिश करता है, आर्द्र भूमि के जरिए एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहता है कि जिससे जैव विविधता संरक्षित रहे। 1971 में ईरान के रामसर के अंदर ये सम्मेलन हुआ था, कन्वेंशन। ओके, विश्व वैश्विक स्तर पे ये रामसर स्थलों का दर्जा देता है, तब भारत में ऐसे 41 है। डन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ईस्ट एशियन समिट ईएएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पहली बार आयोजन 2005 में हुआ। इसकी बैठक का आयोजन हर साल आसियान नेताओं की बैठक के बाद होता है। तीसरा, पर्यावरण व ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य और मुद्दे और महामारियां और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इसके प्रायोरिटी सेक्टर है। बताओ ए बी सी या डी, आशिया ईस्ट एशियन समिट के बारे में बताओ। देखो नवदीप जाखड़, आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश मीडियम में। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है ये नीचे, इस पे आप मैसेज करो, ये इतना बड़ा मुद्दा है, ये आपको ऐसे लाइव चैट में इसको डिस्कस नहीं कर सकते। क्या इसका सही उत्तर है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहला स्टेटमेंट सही। पहला सम्मेलन हुआ 2005 में। देखो हर साल जब आसियान की बैठक होती है, तो आसियान की बैठक जैसे ही होती है उसके बाद ईस्ट एशियन समिट का आयोजन होता है। तो 2005 से ये परंपरा शुरू हुई कि आसियान की बैठक होगी, उसके बाद ईस्ट एशियन समिट होगी। और इसका जो प्रायोरिटी सेक्टर है, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, महामारियां, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, तो ये सारे ही इसके क्षेत्र है, इसलिए डी इसका सही उत्तर है। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, 14 नवंबर की खबर थी ये, ईस्ट एशिया समिट है। इंडिया ने अपनी चिंता व्यक्त की है, किस पे? चाइना के साथ जिस तरह से विश्वास की कमी बन रही है, और साउथ चाइना सी का जो मुद्दा है उसको लेके। नेक्स्ट देखो, हाल ही में निम्नलिखित किस संस्थान ने, संगठन ने, या समूह ने, या निकाय ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब देशों के सरकारी कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग का फ्रेमवर्क जारी किया है? बताओ किसने? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एथिक्स में सीधा ही जाएगा।
एथिक्स जनरल स्टडीज पेपर 4 में जा रहा है ये। क्या इसका सही उत्तर है बताइए। क्या सही उत्तर होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, G20। G20 देशों ने, देखो मुद्दा क्या है समझने की कोशिश करो। एथिक्स में भी आपकी एक यूनिट में बोला है एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंडिंग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब देश एक दूसरे को पैसा देते हैं उधारी पे, उसमें कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं। चाइना के ऊपर आरोप लगाता है, गरीब देशों को पैसा देता है, फिर उनको कर्ज के जाल में फंसा के फिर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, ये एथिकल फंडिंग है। वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी शुरुआत में आरोप लगाए गए, IMF के ऊपर आरोप लगाए गए कि जब उनको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करना था, तब बहुत सारे देशों पे बहुत सारी उन्होंने कंडीशंस आरोपित की थी कि हम आपको मदद तब करेंगे जब इन सारी चीजों को अपनाओगे। तो अभी COVID-19 पेंडेमिक के अंदर ये ऐसा हुआ, बहुत सारे अफ्रीका के देशों ने, एशिया के देशों ने बोला है कि भाई हमने जो आपसे कर्ज लिया हुआ है हम उसको टाइम से नहीं लौटा सकते, तो या तो कुछ आप उसको रीस्ट्रक्चर करो, नया कोई टाइम लिमिट दो, आप अपने इंटरेस्ट रेट को घटाओ ताकि हम आपका कर्ज चुका सके और हम कर्ज के जाल में ना फंसे। उसके चलते G20 देशों ने बोला है कि हम गरीब देशों को जो हमने लोन दिया था, पैसा दिया था, उसको रीस्ट्रक्चर कर देंगे ताकि COVID-19 पेंडेमिक के अंदर उनको और ज्यादा तकलीफें ना हो। क्वेश्चन क्यों बना ये देखो क्वेश्चन क्यों बना था, ये रहा, G20 स्ट्राइक्स द हिस्टोरिक डेट पैक्ट टू हेल्प द पुअर स्टेट्स हिट बाय कोविड। ये लो, कोविड से प्रभावित देशों को उनका कर्ज लौटाने के लिए उसमें सुधार किया है, उसको फ्लेक्सिबल बनाया है G20 देशों ने। ओके, आया क्या समझ में? ये एथिक्स में यूज करना है ये हमें स्टूडेंट, एथिक्स जनरल स्टडीज पेपर 4, वहां जब मैं पढ़ाऊंगा आपको यूज कराऊंगा, ये पूरा चाइना समझाऊंगा किस तरह से डेट ट्रैप का गेम खेल रहा है वहां पे, पूरा अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, IMF, वर्ल्ड बैंक की क्या भूमिका है वहां देखेंगे एक नए स्तर पे जाके। अगला क्वेश्चन है, मालाबार 2020 अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हो रहा है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया, भारत, जापान, USA। उम्मीद करूंगा कि कोई भी गलत जवाब नहीं देगा इसका। क्या सही उत्तर है बताओ? क्या सही उत्तर है इसका? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 4, 5, 6, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और USA। ऑलरेडी हम देख चुके हैं न्यूजीलैंड का इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही साउथ कोरिया से। ये देखो, पश्चिमी हिंद महासागर में मालाबार का दूसरा चरण आयोजित हुआ, पहला चरण हमारा ईस्ट वाले कोस्ट पे हुआ था, दूसरा वेस्ट कोस्ट पे हुआ है, इसके चलते मैंने क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितनी समझ है आपको पॉलिटी की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम 3 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, राजनीतिक मामलों की जो संसदीय समिति है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राजनीतिक मामलों की संसदीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए क्या सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए। क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये लो, कोई भी नहीं। पहला स्टेटमेंट गलत
और दूसरा देखो साफ साफ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संसद के दो सत्र के बीच अधिकतम 3 माह नहीं 6 मंथ का गैप बोला गया है, 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कि साल भर में 2 बार बैठना जरूरी है, 3 माह नहीं था लक्ष्मीकांत पढ़ना वहां पे। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स की जो कमेटी है उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए सेकंड भी गलत हो गया। ओके, आपका एक होमवर्क है कि प्रधानमंत्री कितनी कमेटियों के, कितनी समिति के अध्यक्ष होते हैं बता देना। संसद की कितनी समितियों के अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री कितनी समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये अपना होमवर्क कर लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कभी भी काम आ जाएगा। ये होमवर्क है आपका। अगला क्वेश्चन ये देखो, पहले क्यों बनाया गया, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, वहां मैंने संसदीय लिख दिया, उसको अमेंड कर लेना, मंत्रिमंडलीय समिति है, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, वहां संसदीय लिखा गया था, उसको करेक्ट कर लेना। तो इस बार बोला जा रहा है कि कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, पिछली टाइम भी जब सेशन कराया था उस टाइम पे भी बहुत सारे जो आपके लगभग 40 MP कोरोना पॉजिटिव आए थे मॉनसून सेशन में, तो इस बार बोल रहे हैं कि हम जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन आएगा शीतकालीन सत्र उसको नहीं आयोजित करेंगे। ओके, तो वैसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 3 महीने पहले ही पहला सत्र हुआ था और साल भर में दो सत्र होने जरूरी है, तो एक तो हो गया हमारा मॉनसून वाला, तो विंटर वाले को स्किप करना चाह रही है सरकार। तो इसी में ही कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स का जिक्र था, इसी के चलते मैंने संसद के सत्र पे भी एक स्टेटमेंट बना दिया। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही लाडली स्कीम किस राज्य सरकार की या केंद्र शासित प्रदेश की है बताइए, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़। लाडली स्कीम कौन से राज्य की है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। ये लो, दिल्ली की ये स्कीम है लाडली स्कीम, देखो गवर्नमेंट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड, ऊपर ही लिखा है लाडली स्कीम। तो कोविड-19 पेंडेमिक में इस स्कीम पे प्रभाव पड़ा है, पहले ज्यादा लड़कियां एनरोल होती थी इस स्कीम के तहत, अब इसमें कम लड़कियां एनरोल हो रही है, कम बच्चियां एनरोल हो रही है, इसमें कुल मिला के सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट करती है बच्चियों को। तो ये दिल्ली सरकार की स्कीम है, ये चर्चा में आई थी आज के इंडियन एक्सप्रेस में। अगला क्वेश्चन है देखो, हाल ही में किन देशों ने दक्षिणी चीन सागर में और प्रशांत महासागर में द्वीपीय देशों में चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किया है, ये ले बताओ कौन से देश है जिन्होंने चीन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रशांत महासागर में और दक्षिण चीन सागर में एक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किया, यूएसए जापान, जापान ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान यूएसए ऑस्ट्रेलिया बताइए। और सब बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, सबके सब गलत जवाब, सबका गलत जवाब है। सूर्य प्रकाश ने तुरंत अपने उत्तर को बदल दिया है, डी से सी पे आ गए। ओके, बताइए क्या सही उत्तर होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये लो,
जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किया है। देखो, जैसे अगर आपको याद हो, इंडिया का और अमेरिका का लिमोवा था ना, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट था, सेम इसी तरह का जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने किया है, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के बेस का सप्लाई के लिए, रिपेयरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और ये किस लिए किया? दक्षिणी चीन सागर में और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने किया है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। डन। क्यों बनाया गया है क्वेश्चन? देखिए, आज की खबर थी, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है डिफेंस पैक्ट टू काउंटर चाइना। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास की पीडीएफ आपको इस वाले चैनल पे मिलेगी मेरी। और ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि इतना क्वालिटी कंटेंट मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म तक लेके आता रहूं, तो आपको ध्यान रखना, इस कोड को यूज करना होगा। देखो, अन अकेडमी ने अंतिम जो शक्ति है, अंतिम ताकत है, बच्चों के हाथ में दी। आप अगर इस कोड को यूज करेंगे तो ही मैं अन अकेडमी पे बहुत दीर्घ काल तक आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आप ये सोचते रहोगे, नवीन सर एक बहुत लंबे टाइम तक सारी चीजें फ्री होती रहेगी, अन अकेडमी ने फ्री पढ़ाने के लिए मुझे नहीं लेके आया, वो कुछ बच्चों को सपोर्ट करना होगा, जो सपोर्ट कर सकते हैं वो करें, और मुझे अगर लंबा मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो देखो, आपको सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि इस रेफरल कोड से ना सिर्फ आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलने वाली है स्टूडेंट्स। और अभी मेरे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, वो सब सिर्फ आपकी सपोर्ट से ही होंगे। आप जितना ज्यादा हो सके अपने खुद से, आपके दोस्त है कोई भी है, जो मेरा रेफरल कोड हर जगह लगेगा, स्टेट सर्विस, आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, नीट, जहां भी चाहोगे वहां लग सकता है, लेकिन आप सपोर्ट कीजिए इस कोड को जितना ज्यादा कर सकते हो। ओके डन। तो आज की ये क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो 10% का डिस्काउंट और नवीन सर की पर्सनल मेंटरशिप ये आपको मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलेंगे फिर उसी टाइम पे 5:15 बजे। आज का सेशन लंबा था क्योंकि पिछले 4-5 दिनों की क्लास एक साथ कराई गई। ओके ओके, गुड नाइट।